नमस्कार दोस्तों, मैं सपना केकरे पूर्ण यूबीआई परिवार की ओर से आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। आज हम पटल पर कुछ ऐसे नए नाम और नई कवियत्रियों के साथ आए हैं इस शब्दों के संसार को बुनने, जिन्होंने अभी तक हमारे यूबीआई पटल पे पदार्पण आज पहली बार किया है। तो उन सभी को तहे दिल से शुक्रिया जिन्होंने हमें समय दिया और यूबीआई के साथ जुड़े, मन से, इतने मन से जुड़े कि आज की पूरी शाम उन्होंने हमारे नाम कर दी है। और बहुत प्यारी प्यारी कवित्रियां हैं और बहुत अलग अलग लोकेशन से, बहुत अलग अलग जगहों से आई हैं। और हिंदी उत्सव हम जो मना रहे हैं, आप सभी जानते हैं, 15 दिन का ये पखवाड़ा हम हिंदी के नाम कर चुके हैं। हिंदी तो हम, जैसे मैंने कल कहा, हिंदी हमारे रग रग में बसी है। हिंदी हमें, हम रोज उसे मनाते हैं। पर ये 15 दिन, हम बर्थडे एक दिन मनाते हैं तो उसी तरह से हम ये पखवाड़ा, हिंदी का जन्मदिन मनाते हैं, जो कि अब हमारी राजभाषा और हमारी कार्यकारिणी भाषा भी उद्घोषित हो चुकी है इतने वर्षों से। तो तब से हम ये हिंदी दिवस मना रहे हैं, उसी बात का उल्लास और हर्षो उल्लास के साथ जो समय है ये हम बिताते हैं हिंदी के प्रेमियों के साथ। तो जो हिंदी प्रेमी हमारे साथ आज जुड़े हैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आपसे ज्यादा समय न लेते हुए मैं सबसे पहले सभी से आपको रूबरू कराती हूँ। हमारी आज की महफिल देखो कितने सितारों से सजी है। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया और हम यूबीआई वाले आप सबको सुनने के लिए आतुर हैं। मुझे लगता है पहली बार आप में से सभी, हमने लेखनी पढ़ी होगी कुछ की, कुछ लोगों ने शायद, मुझे लगता है मुहावरों की जो महफिल सजी हुई है, अभी जो कॉन्टेस्ट चल रहा है, जो प्रतियोगिता चालू है, उसमें भाग भी ले रहे हैं। कुछ लोग बहुत बढ़ चढ़ कर सब लोग साथ में लिख रहे हैं और हमारा प्रोत्साहन हमें दे रहे हैं, हमें उत्साहवर्धन करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। और आज खास, आज के दिन हम सबके साथ जुड़ के और आगे इस शाम को बढ़ाएंगे। लेकिन किसके साथ बढ़ाएंगे और कौन हमें आज की शाम के साथ जोड़ेगा, वो नाम है हरप्रीत कौर। वेलकम, बहुत बहुत अभिनंदन हरप्रीत। नमस्कार, अभिनंदन आपका। कैसी नमस्कार दीदी हो? जी। धन्यवाद दीदी जोड़ने के लिए, यहाँ पर आमंत्रित करने के लिए आभारी हूँ आपकी। मैं, बल्कि मैं, मुझे ये कहना चाहिए मैं आपकी आभारी हूँ, आपने इतना समय दिया आज की इतनी प्यारी सी शाम को पूरा अच्छे से बुन कर हमारे साथ इन सब प्यारी सी कवियत्रियों को जोड़ा। इतनी सुंदर सुंदर, इतनी इतनी प्रतिभावान, इतनी गुणी लेखिकाएं हमारे साथ जुड़ी हैं। मैं धन्य मानती हूँ यूबीआई के पटल को। आज बहुत खुशी हो रही है मुझे, आप सभी का दिल धन्यवाद से दीदी। स्वागत है। मैं, लेखक परिचय जो आपको अगर देना चाहिए तो मुझे लगता है हरप्रीत की लेखनी ने अब उसका परिचय पहले से ही दे रखा है, पर एक छोटा सा परिचय मैं भी देना चाहूंगी। वैसे तो ये मेरे धन्यवाद शहर दीदी। उज्जैन से आती है, छोटी बहन हरप्रीत। हालांकि हम पर्सनली नहीं मिले हैं, हमें आभासी दुनिया ने जोड़ा, दो मुझे लगता है तार जुड़े हुए होंगे कहीं ना कहीं हमारे, मगर हम आभासी दुनिया के जरिए, उज्जैन की नगरी के दो बेटियां आभासी दुनिया के जरिए मिली हैं। तो उनका जो परिचय मैं दूं उतना कम है। सबसे पहला परिचय तो यह है कि उनकी लेखनी अपने आप में उनका एक परिचय है। कविताएं लिखती हैं, गजलें लिखती हैं, कहानियां लिखती हैं और आजकल हास्य लिख रही हैं, बहुत प्यारा जी संचालन करती हैं। कानपुर में आजकल निवास कर रही हैं, हालांकि विज्ञान के विषय में स्नातक हैं, पर अब जो है अपनी कलम चला रही हैं और कलम से लोगों के दिलों पे राज कर रही हैं। और मैं क्या कहूँ, बहुत सारे सम्मानों से सुसज्जित हैं उनका, उनके बारे में अगर मैं बात करूँ तो 6 एंथोलॉजी शब्दांचल समूह के काव्य पाठ में गोल्ड मेडल मिला है उन्हें, और बहुत से आपका अखबारों में और पत्रिकाओं में छप चुकी है उनकी कविताएं और रचनाएं। ऐसी इतनी विलक्षण कवित्री आज हमारे कार्यक्रम का कार्यभार संभाल रही हैं, धन्यवाद ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। बहुत धन्यवाद हरप्रीत, बहुत धन्यवाद। दीदी आपका इतना सुंदर परिचय देने के लिए। दोबारा आपका एक बार आभार करना चाहूंगी। धन्यवाद जी दीदी। आपका पटल है और अब आपके हवाले है, मैं अभी बैठ के सुनना चाहूंगी सबको। धन्यवाद दीदी। सभी मेरे साथ यहाँ पे जुड़ी उत्कृष्ट कवित्रियां, मेरी प्यारी सखियां, सबसे पहले आप सभी का स्वागत करना चाहूंगी। हृदय से आभारी हूँ
आप लोगों ने मंच की शोभा बढ़ाई, मेरे साथ जुड़े, यहाँ पर आए, मैं हृदय से आभारी हूँ आप सभी की। साथ ही हमारे साथ जो श्रुति सुधी श्रोतागण जुड़े हुए हैं, उन सबका भी मैं आभार प्रकट करना चाहूंगी जो अपना कीमती समय हमारे साथ बिताने या हमें सुनने यहाँ पर आए हैं। शब्दों का संसार हमारा आज का कार्यक्रम हिंदी के ताने वाने को बुनता हुआ, हिंदी की प्रसिद्ध कवित्रियां मेरे साथ हैं, ये सब कवित्रियां हिंदी में कविता वाचन करती हैं और बहुत सुंदर और प्यारी कविताओं से आज ये सब समा बांधेंगी जिसको हम लोग सब सुनेंगे। साथ ही मुझे इस मंच से जुड़ के, यूबीआई मंच से जुड़ के पहली बार पटल में आप सभी के सामने हूँ, कोई गलती हो मुझसे तो मुझे क्षमा कीजिएगा। इसके साथ ही मैं सबसे पहले, इससे पहले कि मैं उत्सव का प्रारंभ करूँ, हमारे शब्दों के संसार का और कवित्रियों का परिचय आपसे करवाऊं, उससे पहले मैं सरस्वती वंदना करना चाहूंगी, उसके बाद मैं सभी को कविता पाठ के लिए आमंत्रित करूंगी मेरे द्वारा लिखी हुई छोटी सी सरस्वती वंदना, क्योंकि किसी भी कार्य को आरंभ करने के लिए माँ शारदे को याद करना जरूरी है। हे वीणा पाणिनी, हे ज्ञानदायिनी, हे वीणा पाणिनी, हे ज्ञानदायिनी, अरे अंधकार हमें दे रोशनी, अरे अंधकार हमें दे रोशनी, माँ शारदे माँ शारदे तेरे चरणों में करते हैं ये विनती, माँ शारदे तेरे चरणों में ये करते हैं विनती। हे हंस वाहिनी, हे श्वेत वर्ण धारिणी, हे हंस वाहिनी, हे श्वेत वर्ण धारिणी, सुमत का वरदान दे, विमल मति का दान दे, नेक राहों पे हम चले, शब्दों में तेरा वास रहे, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, चरणों में तेरे ये करते हैं विनती। धन्यवाद सभी का। सर्वप्रथम मैं कविता पाठ के लिए गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़ी हैं अर्चना सक्सेना, उन्हें आमंत्रित करना चाहूंगी। उससे पहले उनका एक छोटा सा परिचय जो मैं आपके साथ बांटना चाहूंगी। अर्चना सक्सेना गाजियाबाद से एक लेखिका हैं, समाज शास्त्र विषय में इन्होंने एमए किया है। हिंदी विषय से इनका जुड़ाव यूं तो बहुत पुराना है, ये कहानी कविता लेख सभी विधाओं में पारंगत हैं। विभिन्न साहित्यिक प्रतिस्पर्धाओं में भी ये भाग लेती हैं और अक्सर पुरस्कृत भी होती रहती हैं। गुलाबी मंच पिंक कॉम्रेड टीम का ये एडिटोरियल टीम का हिस्सा है और मंच के लिए दैनिक रूप से रोज लिखती हैं। विभिन्न मंचों पर काव्य पाठ भी करती हैं। मेरी एक कहानी संग्रह, इनका एक कहानी संग्रह एक टुकड़ा बादल शीघ्र ही प्रकाशित होकर आने को तैयार है। अर्चना दीदी को बधाई, इनका किताबों का संग्रह एक टुकड़ा बादल प्रकाशित होने को तैयार है। बहुत बहुत आभार हर्षित, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको कविता पाठ के लिए आमंत्रित करने से पहले मैं आपकी ही कविता की चंद लाइनें आपके लिए पढ़ना चाहूंगी। बिल्कुल। जीने की आस में तिल-तिल कर मरना, जीने की आस में तिल-तिल कर मरना मुझको नहीं आता है। जीवन की डोर हो उलझी सही, जीवन की डोर हो उलझी सही, सुलझाना मुझको भाता है। इस उलझन से घबरा कर क्या मैं डोर ही तोड़ दूं, इस उलझन से घबरा कर क्या मैं डोर ही तोड़ दूं, सींचूंगी लहू से मैं, सींचूंगी लहू से मैं अपने जीवन वृक्ष हरा होगा, सींचूंगी लहू से मैं अपने जीवन वृक्ष हरा होगा। स्वागत है अर्चना दीदी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी सुंदर तरीके से मेरी पंक्तियां पढ़ने के लिए। और
सभी को नमस्कार के साथ इस मंच का बहुत बहुत आभार जिन्होंने आज ये सौभाग्य हमें दिया कि अपनी कविता पाठ हम सब यहाँ पर कर सकें। तो सबसे पहले मेरी जो कविता है वो हिंदी भाषा के लिए ही समर्पित है, अपनी मातृभाषा जिसको बोलने में आज बहुत सारे लोग अभी उसको कुछ दोयम दर्जे का मानने लगे हैं, और जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। और सारे किसी भी देश में आप चले जाइए, सबसे पहले वो अपनी मातृभाषा का सम्मान करते हैं, बाद में किसी और भाषा पे। लेकिन हमारे यहाँ कुछ उल्टा है, इंग्लिश को वो बहुत महत्व देने लगे हैं और हिंदी को नहीं देते हैं। तो ये कविता उसी संदर्भ में है। ये तेरी मेरी बात नहीं, जन जन की यही कहानी है। ये तेरी मेरी बात नहीं, जन जन की यही कहानी है। हिंदी भाषी लगे पिछड़े हुए, इंग्लिश बोले अभिमानी है। यदि जन्म लिया है भारत में, थोड़ा तो इस पर गर्व करो। यदि जन्म लिया है भारत में, थोड़ा तो इस पर गर्व करो। धारा प्रवाह बोल सकते हो, हिंदी बोली पे शर्म करो। खुद को समझे 30 मार्खा, खुद को समझे 30 मार्खा, चाहे ज्ञान नहीं हो रत्ती भर। खुद को समझे 30 मार्खा, चाहे ज्ञान नहीं हो रत्ती भर। सामान्य ज्ञान में शून्य सही, अंग्रेजी बोलना आए पर। हद देखो तब हो जाती है, जब घमंड से ये बतलाते। हद देखो तब हो जाती है, जब घमंड से ये बतलाते। अरे 36 किसको कहते हैं, हम तो ये समझ नहीं पाते। हद देखो तब हो जाती है, जब घमंड से ये बतलाते। अरे 36 किसको कहते हैं, हम तो ये समझ नहीं पाते। इनकी छोड़ो, इनकी छोड़ो, जरा इनके माता पिता की बातें करते हैं। मेरे पुत्र को हिंदी नहीं आती, वो इंग्लिश का दम भरते हैं। जिस बात पे लज्जित होना था, उस पर तो वो इतराते हैं। जिस बात पे लज्जित होना था, उस पर तो वो इतराते हैं। अंग्रेजी में यदि कच्चा है तो उसको नित धमकाते हैं। नमस्ते को अब भूल चुके, नमस्ते को अब भूल चुके, हाय हेलो का दम ये भरते हैं। फिर मिलेंगे कहकर विदा नहीं, बाय बाय टाटा ही करते हैं। अरे भाषा कोई बुरी नहीं, भाषा कोई बुरी नहीं, हर भाषा का अपना सम्मान। जितना सीखो उतना अच्छा, नित और बढ़े सामान्य ज्ञान। जितना सीखो उतना अच्छा, नित और बढ़े सामान्य ज्ञान। निज भाषा का अपमान कभी, सम्मान न तेरा बढ़ाएगा। निज भाषा का अपमान कभी, सम्मान न तेरा बढ़ाएगा। ये तो गुलाम मानसिकता के, थोड़ा और करीब ले जाएगा। ये तो गुलाम मानसिकता के, थोड़ा और करीब ले जाएगा। अंग्रेजी क्या जर्मन सीखो, अंग्रेजी क्या जर्मन सीखो, फ्रेंच सीखो और मैंड्रिन सीखो। अंग्रेजी क्या जर्मन सीखो, फ्रेंच सीखो और मैंड्रिन सीखो। सबसे पहले हिंदी सीखो, मातृभाषा को भूलो न मगर, सबसे पहले हिंदी सीखो। गर्व तुम्हें खुद पर होगा, गर्व तुम्हें खुद पर होगा, जब देश का मान बढ़ाओगे। हिंदी को मस्तक पर रखकर भाषा सम्मान बढ़ाओगे, हिंदी को मस्तक पर रखकर भाषा सम्मान बढ़ाओगे। धन्यवाद। इसी के साथ ही मैं अपनी बहुत सुंदर अर्चना जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर कविता अर्चना जी, बहुत खूब, बहुत खूब। इसी के साथ ही मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अपनी अगली रचना प्रस्तुत करने जा रही हूँ। ये स्वागत है। ये कविता क्षण भंगुर जीवन की ओर संकेत करते हुए बताती है कि कल पर कुछ ना छोड़कर अपने सपने पूरे करने की दिशा में कदम उठाओ, अन्यथा समय निकल जाएगा और कुछ हाथ नहीं आएगा। तो कविता प्रस्तुत है। भोली नन्ही सी शरारतें, मासूम सा बचपन गुजर गया। भोली नन्ही सी शरारतें, मासूम सा बचपन गुजर गया। किशोर वय बदलावों में मन ये अकारण उलझ गया। किशोर वय बदलावों में मन ये अकारण उलझ गया। युवावस्था में देखे सपने, एक सोच जगी कुछ तो मैं करूं। पर अभी तो पूरी उम्र पड़ी, जल्दी क्या है क्यों जतन करूं।
अभी तो पूरी उम्र पड़ी, जल्दी क्या है, क्यों जतन करूं। पावन पुनीत परिणय में बंध, प्रेयसी प्रीतम के द्वार चली। पावन पुनीत परिणय में बंध, प्रेयसी प्रीतम के द्वार चली। हर्षित हिय में हिलो रे हजार, मन में आशाएं सहस्त्र पली। मन मगन बाबरा मस्ती में, सुदबुद्ध ही जैसे भूल गया। मन मगन बाबरा मस्ती में, सुदबुद्ध ही जैसे भूल गया। मदहोशी के इस आलम में, मनमीत की बाहों में झूल गया। रिम झिम वो प्रेम फुहार, रिम झिम वो प्रेम फुहार, कितने सावन हो गए पार। पर सार्थक कुछ भी किया नहीं, अब सांझ खटखटा रही द्वार। रिम झिम वो प्रेम फुहार, कितने सावन हो गए पार। पर सार्थक कुछ भी किया नहीं, अब सांझ खटखटा रही द्वार। उन्मुक्त पवन के झोंके सा जीवन ये सारा गुजर गया। उन्मुक्त पवन के झोंके सा जीवन ये सारा गुजर गया। जर आया जर्जरता लाया, आशाओं को भी तोड़ गया। जर आया जर्जरता लाया, आशाओं को भी तोड़ गया। क्षण भंगुर जीवन गुजर गया, क्षण भंगुर जीवन गुजर गया, पर जिजीविषा बढ़ती जाती। क्षण भंगुर जीवन गुजर गया, पर जिजीविषा बढ़ती जाती। अभिकल्प करूं कैसे तन को, कोई युक्ति नहीं समझ आती। अभिकल्प करूं कैसे तन को, कोई युक्ति नहीं समझ आती। पछतावा सिर चढ़ बोल रहा, मन ऊपर नीचे डोल रहा। पछतावा सिर चढ़ बोल रहा, मन ऊपर नीचे डोल रहा। जीवन कितना छोटा होता, अब भेद ये सारे खोल रहा। अब इतनी सी थी उसकी दुआ, जो जन्म भी मैं अगला पाऊं। अब इतनी सी थी उसकी दुआ, जो जन्म भी मैं अगला पाऊं। उसको ना व्यर्थ गुजारूं मैं, परमार्थ हेतु मैं जी पाऊं। उसको ना व्यर्थ गुजारूं मैं, परमार्थ हेतु मैं जी पाऊं। पर अगला जन्म देखा किसने, पर अगला जन्म देखा किसने। जो करना है वो आज करो, एक लक्ष्य सुनिश्चित कर डालो। मंजिल की ओर फिर कदम भरो, एक लक्ष्य सुनिश्चित कर डालो। मंजिल की ओर फिर कदम भरो, अन्यथा यूं ही पछताओगे। अन्यथा यूं ही पछताओगे, यदि व्यर्थ में जन्म गवाओगे। कोई पल ना लौट के आएगा, कितने भी अश्रु बहाओगे। कोई पलना लौट के आएगा, कितने भी अश्रु बहाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत खूब वैष्णा जी, बहुत सुंदर। हमारे बहुत शब्दों के संसार का आगाज कितना खूबसूरत हुआ है। धन्यवाद वैष्णा दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। जो कविता है आपकी, इतने अंदर तक मन को हर किसी के छू गई होगी। क्षण भंगुर जीवन और जो समय है, आज जो समय है उसको कितनी जरूरत है हमें समझने की, कि ये भागने वाला है तो इसे समझ लो और कुछ करके दिखा दो, इसी जीवन में करके दिखा दो। बहुत सुंदर रचना, बहुत सुंदर रचना, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसके साथ ही मैं अपनी अगली कवित्री उत्तर प्रदेश अमरोहा से रुचि मित्तल दीदी को आमंत्रित करना चाहूंगी। उससे पहले उनका जीवन परिचय। रुचि मित्तल लेखन का कार्य भी करती हैं, साथ में अध्यापिका भी हैं। इनके लेखन के खास विषय हैं नारी प्रधान, समसामायिक और प्रकृति से संबंधित रचनाएं। इनकी रचनाएं पूर्णतया ओज और वीर रस से परिपूर्ण होती हैं। पत्रिकाओं, समाचार पत्रों, विभिन्न प्रतिष्ठित पत्रिकाओं और विभिन्न काव्य समूहों के द्वारा अनेक बार इनकी रचनाएं पुरस्कृत हो चुकी हैं। इनकी तारीफ में शब्द कम पड़ जाएंगे, बहुत ज्यादा नहीं कह पाऊंगी, इनकी जितनी तारीफ की जाए कम है। इनकी चंद पंक्तियों से मैंने आमंत्रित करना चाहूंगी कविता पाठ के लिए। एक नारी हूं मगर यलगार करना चाहती हूँ, एक नारी हूं मगर यलगार करना चाहती हूँ, अपनी विद्रोही कलम से वार करना चाहती हूँ। यूं तो मर मिटने का जज्बा है मेरे खून में, यूं तो मर मिटने का जज्बा है मेरे खून में, मगर अपने शब्दों को भी मैं तलवार करना चाहती हूँ। आमंत्रित है रुचि मित्तल दी, आप अपनी तलवार के साथ। शुक्रिया हरप्रीत, और इतनी खूबसूरती से तुमने लाइन बोली कि मुझे लग रहा था ये मैंने लिखी है।
बहुत सुंदर। सबसे पहले मंच का बहुत बहुत आभार, सपना जी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इतना सुंदर ये शाम संजोई और हिंदी दिवस जिसके लिए सभी लोग आजकल उदासीनता है हिंदी को लेकर। तो हम पहले मैं दो लाइनों से हिंदी के महिमा का कुछ वर्णन करना चाहती हूँ। हिंदी भाषा राष्ट्र का है, अनम्यूट करिए। हाँ जी, वो फोन आ जाता है ना ऐसे समय पे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। मैं शुरू करती हूँ तुम्हारे से। हिंदी भाषा राष्ट्र का है गौरव सम्मान, हिंदी भाषा राष्ट्र का है गौरव सम्मान, हिंदी से ही राष्ट्र का होगा नव निर्माण, होगा नव निर्माण। इन्हीं दो लाइनों के साथ यहाँ उपस्थित सभी कवित्रियों बहुत बढ़िया वाली सभी हिंदी प्रेमियों को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूरे विश्व में जहाँ भी हिंदी बोली जाती है, जहाँ हिंदी भाषी लोग रहते हैं, उन सब के लिए यह दिन किसी उत्सव से कम नहीं होता। तो उस सब को आगे बढ़ाते हुए उसी श्रृंखला में मेरी चंद पंक्तियां हिंदी दिवस को निवेदित करती हूँ, सुनिएगा। हिंदुस्तान के मस्तक पर, हिंदुस्तान के मस्तक पर यह अक्षत चंदन रोली है, हिंदुस्तान के मस्तक पर यह अक्षत चंदन रोली है, यह है मेरे हिंद की बिंदी, यह है मेरे हिंद की बिंदी, हिंदी मेरी बोली है, स्वर व्यंजन से सजी हुई है, स्वर व्यंजन से सजी हुई है, अलंकार श्रृंगार है, स्वर व्यंजन से सजी हुई है, अलंकार श्रृंगार है, दोहा छंद शलोक चौपाई, दोहा छंद शलोक चौपाई इसका अनुपम श्रृंगार है, इसका अनुपम श्रृंगार है। भारतेंदु जी, भारतेंदु जी पितामह कहे जाते हैं हिंदी के, तो भारतेंदु जी की ये स्नेहित, भारतेंदु जी की ये स्नेहिल वाणी का सिरमोर है, भारतेंदु जी की ये स्नेहिल वाणी का सिरमोर है, इसके जैसी दूजी भाषा न दुनिया में और है, अधिक हिमालय से भी ऊंची, अधिक हिमालय से भी ऊंची विश्व में इसकी शान है, महादेवी और दिनकर जी के, महादेवी और दिनकर जी के शब्दों की ये जान है, शब्दों की ये जान है। अवधि ब्रजभाषा और उर्दू, अवधि ब्रजभाषा और उर्दू इसकी प्यारी बहने हैं, अवधि ब्रजभाषा और उर्दू इसकी प्यारी बहने हैं, मैथिली भोजपुरी हरियाणवी, मैथिली भोजपुरी हरियाणवी इसके सुंदर गहने, संस्कृत से जन्मी है ये, संस्कृत से जन्मी है ये जो ऋषियों की वाणी, संस्कृत से जन्मी है ये जो ऋषियों की वाणी है, इसके आगे शीश झुकाता, इसके आगे शीश झुकाता भारत का हर प्राणी है। ए आ ई ई उ ए ए, ए आ ई ई उ ए ए, हिंदी मेरा अभिमान है, हिंदी मेरी सांस सांस में बहती बनकर प्राण है, हिंदी मेरे राष्ट्र का गौरव, हिंदी मेरे राष्ट्र का गौरव, हिंदी है मेरी पहचान, मैं गर्व के साथ कहती हूँ कि हिंदी मेरे राष्ट्र का गौरव, हिंदी है मेरी पहचान, जन गण मन से होता है, जन गण मन से होता है मेरे भारत का गुणगान, मेरे भारत का गुणगान, जय हिंदी, जय हिंद और जय भारत, धन्यवाद। बहुत सुंदर, वैसे ही हमेशा जैसे वो जो वीर रस से परिपूर्ण आपकी रचना, बधाई रुचि दी आपको। धन्यवाद हरप्रीत। और मैं अपनी एक दूसरी कविता मैं सुनाना चाहती हूँ। एक कविता है, कल ही की तो बात है, मैं प्रस्तुत करती हूँ। स्वागत। माँ का आंचल पकड़कर डोलते थे इधर उधर, माँ का आंचल पकड़कर डोलते थे इधर उधर, कल ही की तो बात है, स्कूल में दोस्तों से मुंह फुलाकर बैठना, स्कूल में दोस्तों से मुंह फुलाकर बैठना, सारे गिले शिकवे दूर करना,
एक साथ हंसना खिलखिलाना, कल ही की तो बात है। रोते रोते आंखें सूज गई, रोते रोते आंखें सूज गई कि हाथों से माँ का हाथ छूट गया और मैं घर की दहलीज लांग गई, कल ही की तो बात है। ये कहाँ आ गई, ये मैं कहाँ आ गई, एक नया रूप था, एक नया श्रृंगार, अब एक नया घर द्वार था। मैं न जाने किससे जुड़ रही, मैं न जाने किससे जुड़ रही थी, कल ही की तो बात है। मेरी गोद में चांदनी उतर आई थी, मेरी गोद में चांदनी उतर आई थी, मेरी आंखों में रोशनी समाई, उसके नन्हे कदम, उसके नन्हे कदम घर आंगन में थिरकने लगे, कल ही की तो बात है। आज जब बिटिया घर से बाहर नौकरी करने निकली, आज जब बिटिया घर से बाहर नौकरी करने निकली, न जाने क्यों मेरी आंखें भीग गई। वक्त का दामन कौन पकड़ सका, वक्त का दामन कौन पकड़ सका है, उम्र को अपनी बाहों में कौन जकड़ सका। उम्र तो वक्त के साथ, उम्र तो वक्त के साथ रेत की तरह बंद मुट्ठी से फिसल रही, आईना देखती हूँ तो नजर आता है, आईना देखती हूँ तो नजर आता है एक छोटी बच्ची, आईना देखती हूँ तो नजर आता है एक छोटी बच्ची अपनी माँ का आंचल पकड़े, एक छोटी बच्ची अपनी माँ का आंचल पकड़े, उसके चारों तरफ घूम रही, उसके चारों तरफ घूम। धन्यवाद। सपना जी, सबका माइक म्यूट है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, धन्यवाद। एक बेटी की माँ ही इस तरह के कविता वचन कर सकती है और भावनाओं को समझ सकती है। बहुत सुंदर, बहुत मन स्पर्शी। हम जिनकी बेटियां हैं और हम उनके मन की बात, और मैं जो हम आप सभी बेटियां हूँ, तो जो बेटियों की माएं होंगी वो तो समझ ही सकती हैं, और आई थिंक हम उस कविता के जरिए हमारी माँ की भी भावना समझ सकते हैं। बहुत सुंदर सपना दीदी। मैं चाहूंगी आप श्रोताओं के भी कमेंट्स पूछ लें, ताकि हमारे साथ जुड़ी कवित्रियों को पता चले हमारे साथ कुछ श्रोता भी जुड़े हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जरूर मैं देखती हूँ। मैंने अभी तो मैं इतनी सुनने में इतनी भावीभूर हो रखी थी, मैंने देखा नहीं कि लोग कौन सुन रहा है हमें। मैं सिर्फ चाहूंगी हमारे सब कवित्रियों का प्रोत्साहन मिले सबको। मैं जाती हूँ, बहुत लोग जुड़े हैं ऑलरेडी, 80 से ऊपर कमेंट्स आ चुके हैं। नीति जी हैं, एकता तो है ही हमारी मॉडरेटर है, एकता और बहुत प्यारी सहेली सखी और बहुत प्यारी कवित्री भी हैं। श्याम जी जुड़े हैं, मम्मी है मेरी करण जी, वो हमेशा मुझे आशीर्वाद देती रहती हैं, तो इतनी प्यारी कविता है तो मम्मी का नाम तो बनता है आना। रजनी जी जुड़ी हैं, सभी लोग आपकी रचना को और आपकी प्रस्तुति को की वाह वाह कर रहे हैं, उसको सराह रहे हैं। खास तौर पे बहुत खूबसूरत रचना और प्रस्तुति रुचि जी, बहुत सुंदर। बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ कहा है, मैं कितने लोगों का पढ़ूंगी मैं नहीं पता। नहीं नहीं ठीक है दीदी, बट हाँ 80 से ज्यादा लोग जुड़ चुके, मतलब कमेंट कर चुके हैं और लाइक्स भी लाइक्स आ रहे हैं। और आप लोग भी अगर अपनी वॉल पे शेयर करना चाहें तो बिल्कुल जोड़िए अपने श्रोताओं को जो आपको सुनना चाहेंगे, तो एक शेयर का बटन जरूर दबाइए और अपनी अपनी वॉल पे इसी समय शेयर जरूर करिए, ताकि और भी श्रोता हमसे जुड़ सके। लाइव का भी शेयर आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मैंने अपनी वॉल पे भी इसीलिए किया, मैं कहा बिल्कुल जरूरी है ये काम। ज्यादातर श्रोताओं को पता नहीं चलता इतने सुंदर काव्य पाठ चल रहे हैं, और कई बार मैं सोचती हूँ कि बाद में किसी से बात, अरे हमें तो पता नहीं चला। मैं कह रही कैसे पता नहीं चला, कहते तुम अपनी वॉल पे जरूर डाला करो, तो ठीक है वॉल पे जरूर डाल देते हैं अब हम। बहुत सुंदर रुचि, बहुत ही सुंदर। और हरप्रीत इतना प्यारा संचालन जो तुमने शुरुआत में ही समा बांध दिया है, बहुत मजा आ रहा है। धन्यवाद दीदी। साथ ही मैं हमारे साथ जुड़े सभी श्रोताओं का धन्यवाद करना चाहूंगी जो हमें लगातार सुन रहे हैं और हमारे साथ बने हुए हैं। धन्यवाद सभी श्रोताओं का। इसके साथ ही मैं अपनी अगली कवित्री और मित्र पुष्पा कर्ण धनबाद से को आमंत्रित करना चाहूंगी कविता पाठ के लिए। उससे पहले उनका जीवन परिचय। इन्होंने ये स्नातक हैं, साथ ही गृहिणी हैं, साथ ही प्रेम और करुणा का सागर हैं। इनकी बहुत सारी
पुस्तकें प्रकाशित हो गई है, काव्य बहुत सारी काव्य पाठ इनका अलग अलग पुस्तकों में प्रकाशित हुआ है। काव्य उद्यानम लेखन विधा, इनको बहुत सारे सम्मान प्राप्त हुए हैं, विभिन्न लेखन प्रतियोगिताओं में इनको विजेता सम्मान मिला है। सादा जीवन उच्च विचार, यही इनके जीवन का आधार है। हमारे आजकल की दिखावटी भरी दुनिया में, सोशल साइट की दुनिया में, सब दिखावों से दूर सादा जीवन जीना पसंद करती हैं। इनकी ही लिखी हुई चंद लाइनों से इन्हें निवेदित करूंगी। ये रात मिटने से पहले मन में एक नई उम्मीद जगा जाती है। ये रात मिटने से पहले मन में एक नई उम्मीद जगा जाती है। नई भोर की नई किरण एक नई उमंग जगा देती है। नई भोर की नई किरण एक उमंग जगा देती है। नई जोश फिर में मन में उभरते हैं, नए जोश फिर से मन में उभरते हैं। नए जज्बात मुझ में जगाते। बीत गई वो बीती अंधियारी रात। स्वागत है आपका पुष्पा जी। धन्यवाद, बहुत आभार पुष्पा जी आपका मंच से जुड़ने के लिए। बहुत बहुत आपका भी बहुत आभार सपना जी, और मंच का भी बहुत आभार व्यक्त करती हूँ मैं कि मुझे इस मंच पे आने का इतना अच्छा मौका मिला, इतने गुणी जन कवियों के साथ मुझे जुड़ने का मौका मिला, और सबका सबकी रचनाएं सुनकर मैं भी सीख पा रही हूँ कुछ। मैं इतना धारा प्रवाह बोलने में थोड़ी असमर्थ हूँ, ज्यादा नहीं मैंने किया है लाइव, पर मैं कोशिश करूंगी और अपना बेस्ट दूंगी। मैं धनबाद झारखंड से पुष्पा कर्ण हूँ, और जैसा कि हमारा हिंदी दिवस पर यह कार्यक्रम आयोजित है, तो मैं हिंदी दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहूंगी अपनी सारी शक्तियों को, अपने पूरे भारतवासियों को। और दो लाइन हिंदी के लिए कहना चाहूंगी कि हिंदी हमारा अभिमान है, हिंदी हमारी शान है, हिंदी से हमारी पहचान, हिंदी से हिंदुस्तान। और मैं इसी श्रृंखला में मैं अपनी एक रचना प्रस्तुत करना चाहूंगी जिसका शीर्षक है मैं कविता हूँ। शब्दों के अलंकारों से सुसज्जित कवियों के अंतर्मन की गाथा हूँ। शब्दों के अलंकारों से सुसज्जित कवियों के अंतर्मन की गाथा हूँ। एक तपस्या हूँ मैं अंतर्मन में उठते उद्गारों की। एक तपस्या हूँ मैं अंतर्मन में उठते उद्गारों की। कभी श्रृंगार हूँ कभी आधार हूँ कभी प्रेयसी के मन की चंचलता की। शब्दों के अलंकारों से सुसज्जित कवियों के अंतर मन की गाथा हूँ। एक तपस्या हूँ मैं अंतर मन में उठते उद्गारों की। कभी श्रृंगार हूँ कभी आधार हूँ किसी प्रेयसी के मन की चंचलता की। विरह का भाव है मुझ में भावना है प्रेम की। विरह का भाव है मुझ में भावना है प्रेम की। हृदय का स्पर्श हूँ वेदना हूँ दर्द की। मैं हृदय से निकली शब्दों की सरिता हूँ। मैं कविता हूँ। है मीरा की भक्ति मुझ में कभी नारी की शक्ति हूँ। है मीरा की भक्ति मुझ में कभी नारी की शक्ति हूँ। अरदास की मीठी वाणी मुझ में देशभक्ति का गीत हूँ। अरदास की मीठी वाणी मुझ में देशभक्ति का गीत हूँ। सरस्वती की प्रखरता वेदों गाथाओं का समावेश हूँ। मैं प्रकृति की सुंदरता हूँ। मैं कविता हूँ। छायावाद की मान वीर रस की शान हूँ। रौद्र रस का भान हूँ हास्य व्यंग का गान हूँ। प्रेम हूँ परिहास हूँ एहसास हूँ बिंदास हूँ। मैं अनंत विचारों की परिणीता हूँ। मैं कविता हूँ मैं अनंत विचारों की परिणीता हूँ
मैं कविता हूँ। धन्यवाद। बहुत खूबसूरत रचना, मैं कविता हूँ। कविता के हर रूप को निखारती हुई आपकी रचना। उसी संदर्भ में मैं अपनी एक दूसरी रचना प्रस्तुत करने की इजाजत चाहूंगी। हरप्रीत जी, स्वागत है आपका। मेरी इस कविता का शीर्षक है, जीवन है एक मदमस्त नदी। ये जीवन को दर्शाती हुई एक छोटी सी मेरी रचना, सुनिएगा। जीवन है एक मदमस्त नदी, जीवन है एक मदमस्त नदी, चट्टानों से प्रस्फुटित हो निर्झर स्वरूप नदी का लेती है। जीवन है एक मदमस्त नदी, चट्टानों से प्रस्फुटित हो निर्झर स्वरूप नदी का लेती है। बाधाओं से लड़ते लड़ते दूर सफर पर चलती है, बाधाओं से लड़ते लड़ते दूर सफर पर चलती है। सागर से मिलने को आतुर रहती, सागर से मिलने को आतुर रहती, अंततः सागर में विलीन हो वीर गति को पाती है। अंततः सागर में विलीन हो वीर गति को पाती है। ऐसे ही जन्म लेता है धरा पर जब मानव, ऐसे ही जन्म लेता है धरा पर जब मानव, जीवन के सफर पर चलता है निरंतर। ऐसे ही जन्म लेता है धरा पर जब मानव, जीवन के सफर पर चलता है निरंतर। बचपन की मासूमियत से मिलकर, बचपन की मासूमियत से मिलकर जवानी के सफर पर निरंतर आगे बढ़ता है। बाधाओं से लड़ता है मेहनत करता जाता है, बाधाओं से लड़ता है मेहनत करता जाता है। मंजिल अपनी पाने की जद्दोजहद में, मंजिल अपनी पाने की जद्दोजहद में, खुद को खो देता है कभी खुद को पा जाता है। मंजिल पाने की जद्दोजहद में खुद को खो देता है कभी और कभी खुद को पा जाता है। जिम्मेदारियों के सफर पर इंसान आगे बढ़ता है मचलकर, जिम्मेदारियों के सफर पर इंसान आगे बढ़ता है मचलकर, भौतिक सुखों के चक्रव्यूह में फंसता जाता है। जिम्मेदारियों के सफर पर इंसान आगे बढ़ता है मचलकर, भौतिक सुखों के चक्रव्यूह में फंसता जाता है। चलते चलते सफर पर बुढ़ापे के मुकाम पर पहुंचकर इंसान को ये समझ आता है। चलते चलते सफर पर बुढ़ापे के मुकाम पर पहुंचकर इंसान को ये समझ आता है। जीवन है आशिक, जीवन है एक आशिक, मौत है इसकी महबूबा। जीवन है एक आशिक और मौत है इसकी महबूबा। गले से मिलकर महबूबा के सच्चे प्रेमी की भांति अनंत में विलीन हो जाता है। जीवन है एक आशिक, मौत है इसकी महबूबा। गले से मिलकर महबूबा के सच्चे प्रेमी की भांति अनंत में विलीन हो जाता है। जीवन है एक अनंत सफर, जीवन है एक अनंत सफर, एक देह तज कर पुनः जीवन नए सफर पर निरंतर चलता जाता है। जीवन है एक अनंत सफर, एक देह तज कर पुनः जीवन नए सफर पर निरंतर चलता जाता है, निरंतर चलता जाता है। धन्यवाद। बहुत सुंदर। जी सपना जी, आपका माइक म्यूट है। बहुत सुंदर। देखो मैं मेरा बोल ही नहीं पा रही हूँ कुछ, इतनी सुंदर शब्द हो गए, सुंदर शब्द हो गए। मैं धन्यवाद अर्चना जी, पुष्पा जी धन्य हो गया मंच आपकी कविताएं सुनकर, बहुत सुंदर। धन्यवाद सपना जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। इसके साथ ही हमारी अगली कवित्री जो बहुत सुंदर और गायकी में माहिर भी है, हमारी अगली कवित्री अनीता सुराणा जी, स्वागत करना चाहूंगी मैं अनीता जी का। बहुत मीठी आवाज और बहुत मीठे स्वर हैं इनके, कविताओं के साथ ही गायकी में भी माहिर हैं। हिंदी साहित्य में इन्होंने स्नातक की उपाधि ली है, ये गद्य और पद्य दोनों में माहिर हैं। इनकी विभिन्न स्थानीय समाचार पत्रों में कविताएं और रचनाएं प्रकाशित होती रहती हैं। इन्हें रेम ऑफ पोयम से पोएट ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला है, क्रिएटिव माइंड में इन्होंने क्राउन जीता है क्वीन ऑफ द मंथ का, और शब्दांचल से इन्होंने सिल्वर मेडल लिया है लाइव कविता पांच में। इसके साथ ही अभी अभी ये क्रिएटिव माइंड्स ग्रुप में मॉडरेटर भी बनी है। बधाई अनीता जी आपको। आपको कविता पाठ में आमंत्रित करने से पहले मैं आपकी ही लिखी हुई चंद
पंक्तियां आपको बुलाने के लिए निवेदित करना चाहूंगी। है कातिब बनना आसान कहां, है कातिब बनना आसान कहां, रातों में जागकर विचारों में तपकर, रातों में जागकर विचारों में तपकर, विरोधों से भी लड़कर, विरोधों से भी लड़कर, लेखन में खपकर, आलोचनाओं को सहकर भी हंसकर, आलोचनाओं को सहकर भी रहे हंसकर, वही कातिब कहलाए, वही कातिब कहलाए। स्वागत है नीता जी आपका। बहुत बहुत आभार हरप्रीत जी, आपने हम सभी लेखकों की मन की बात कही। ये सिर्फ मेरी अकेले की बात नहीं है, हम सभी लेखकों की ये बात है। और इसके साथ ही मैं मंच का आभार करती हूँ, साथ ही सपना जी का भी करती हूँ कि आप इतने सुंदर हिंदी उत्सव का समारोह मना रहे हैं और आपने हम सभी को इकट्ठा यहाँ पे आमंत्रित किया है, इसके लिए बहुत बहुत मंच का अभिवादन। स्वागत है। हिंदी जिसे संबंध भाषा के नाम से भी जाना जाता है, विश्व में सबसे अधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषाओं में एक है। प्राचीन संस्कृत भाषा से विकसित हुई हिंदी की लिपि देवनागरी है, इसीलिए इसे नागरी नाम से भी जाना जाता है। आजादी के 2 वर्ष पश्चात वर्ष 1949 में इसे आधिकारिक रूप से राजभाषा का दर्जा मिला और 14 सितंबर 1953 से पूरे भारत में हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाने लगा। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाए जाने की सर्वप्रथम प्रस्तावना महात्मा गांधी ने दी थी। एक तथ्य यह भी है कि 14 सितंबर 1949 को हिंदी के पुरोधा व्यवहार राजेंद्र सिंह का 50वां जन्मदिन था, जिन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए बहुत लंबा संघर्ष किया था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए, स्थापित करवाने के लिए काका कालेलकर, मैथिली शरण गुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सेठ गोविंद दास आदि साहित्यकारों के साथ लेकर व्यवहार राजेंद्र सिंह ने अथक प्रयास किए थे। साथ ही आधुनिक हिंदी के जनक कहे जाने वाले भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भी हिंदी भाषा के साहित्य में व्यापक प्रयोग कर उसकी महत्वता को और भी बढ़ाया। आज हिंदी विश्व की 176 विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जाती है, साथ ही विदेशों में भी हिंदी भाषा में पत्र पत्रिकाएं निकाली जाती है। बिहार वो पहला राज्य है जिसने हिंदी को अपनी आधिकारिक भाषा के तौर पर स्वीकार किया। हिंदी के आन बान शान में मैंने भी एक छोटी सी कविता लिखी है, आइए सुनते हैं। मातृभाषा होती आत्मा की भाषा, मातृभाषा होती आत्मा की भाषा, दिलों को जोड़ती खिलाती नौ आशा। मातृभाषा जैसे माँ का दुलार, मातृभाषा जैसे माँ का दुलार, जन सामान्य का जीवन व्यवहार। मातृभाषा जैसे पिता का आदर्श, मातृभाषा जैसे पिता का आदर्श, उन्नति पथ पर करती सदा प्रशस्त। मातृभाषा जैसे शीश का चंदन, मातृभाषा जैसे शीश का चंदन, हृदय में बसता पावन अभिनंदन। मातृभाषा जैसे शिशु का प्रथम क्रंदन, मातृभाषा जैसे शिशु का प्रथम क्रंदन, अपने आराध्य के प्रति भाव भरा वंदन। मातृभाषा जैसे गुरु का दिव्य ज्ञान, मातृभाषा जैसे गुरु का दिव्य ज्ञान, निज उत्थान की बनती सुगम यान। मातृभाषा जैसे माँ शारदे की वीणा की तान, मातृभाषा जैसे माँ शारदे की वीणा की तान, प्राचीन देव भाषा से मिला यह अनुपम वरदान। मातृभाषा भक्तों की करुण गान, मातृभाषा भक्तों की करुण गान, शब्दों में वर्णित ना हो सके इसका पवित्र बखान। मातृभाषा जैसे गंगा का पावन स्नान, मातृभाषा जैसे गंगा का पावन स्नान, विश्व स्तर पर भारतीयों की है यह पहचान। मातृभाषा जैसे माँ की लोड़ी की मधुर तान, मातृभाषा जैसे माँ की लोड़ी की मधुर तान, मीठी इतनी जैसे तुतलाती संतान। मातृभाषा आजादी की बनी संगान, वीरों ने मिलकर गाया इसका जयगान।
मातृभाषा साहित्य जगत का अनुपम अवदान। मातृभाषा साहित्य जगत का अनुपम अवदान भारतेंदु प्रेमचंद्र निराला ने बढ़ाया इसका सम्मान। मातृभाषा माटी के शहीदों का बलिदान। मातृभाषा माटी के शहीदों का बलिदान जनगण मन से सजकर बनी राष्ट्रगान। मातृभाषा जैसे तिरंगे की निराली शान। मातृभाषा जैसे तिरंगे की निराली शान हिंदुस्तान की आवाम की बस्ती इसमें जान। मातृभाषा भारत की अनमोल संपदा की खदान। मातृभाषा भारत की अनमोल संपदा की खदान विश्व स्तर में भारतवासियों की बनती पहचान। मातृभाषा विभिन्न बोलियों के विकास का उत्थान। मातृभाषा विभिन्न बोलियों के विकास का उत्थान अपनी मातृभाषा पर हम भारतवासियों को है अभिमान। हिंदी है राष्ट्रभाषा आओ करें इसका सम्मान। हिंदी है राष्ट्रभाषा आओ करें इसका सम्मान। अमर है इतिहास इसका जग को बांटे ये ज्ञान। हिंदी दिवस पर ही नहीं, हिंदी दिवस पर ही नहीं सदा गाएं इसका यशगान। नई पीढ़ी को सिखलाएं, नई पीढ़ी को सिखलाएं करना मातृभाषा का सम्मान। सिर्फ नारेबाजी भाषणबाजी से नहीं आ सकती ये जागरूकता। सिर्फ नारेबाजी भाषणबाजी से नहीं आ सकती ये जागरूकता। भावी पीढ़ी को हमें ही बतानी होगी इसकी महत्ता। जरूरी स्कूल कॉलेजों कार्यालयों में हिंदी की बहुधा उपयोगिता। जरूरी स्कूल कॉलेजों कार्यालयों में हिंदी की बहुधा उपयोगिता। अंग्रेजी के अंधानुकरण को छोड़ने की भी आवश्यकता। अरे जब देश की है निज भाषा, अरे जब देश की है निज भाषा फिर क्यों विदेशी भाषा के फैशन की हो मानसिकता। जब देश की है निज भाषा फिर क्यों विदेशी भाषा के फैशन की हो मानसिकता। आओ यह संकल्प करें आज मिलकर। आओ यह संकल्प करें आज मिलकर अपने पुरखों की अमूल्य निधि को रखेंगे हम सहेज कर। हिंदी का करेंगे बहुआयामी उपयोग। हिंदी का करेंगे बहुआयामी उपयोग तभी तो अगली पीढ़ी जान पाएगी इसका करना मोल। हिंदी का करेंगे बहुआयामी उपयोग तभी तो अगली पीढ़ी जान पाएगी करना इसका मोल। नमस्कार। अप्रतिम जानकारी, अप्रतिम बोल हरप्रीत, ये जो हीरे हैं चुने हुए, मतलब निशब्द एक के बाद एक जो हीरा आ रहा है वो मुझे निशब्द करे जा रहा है। अनिता जी जो जानकारी आपने दी मैं नीचे कमेंट्स में भी पढ़ रही हूँ, बहुत सुंदर। पहली बात तो कविता बहुत सुंदर, बहुत बहुत बधाई हो आपको। इतनी इतनी बड़ी बात इतने सरल भाव से कहना और इतनी सटीकता से कहना आसान नहीं होता। आपने बहुत सुंदर तरीका से उसे शब्दों में उस उकेर के हमारे सामने प्रस्तुत किया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और जो जानकारी जो आपने दी, जैसे कि आप हरप्रीत बता रही थी आप पद्य और गद्य दोनों में माहिर हैं, दोनों जो थी आपकी प्रस्तुतियां बेहद खूबसूरत। और सुचि हमारे साथ जुड़ी है, उनका एक कमेंट भी है कि बहुत उम्दा जानकारी, बहुत सुंदर जानकारी जो कि बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है कि ये जो बातें हैं ये सब कम सब जितने ज्यादा लोगों को तो हम पहुंचाएंगे वो बहुत ज्यादा, ये हमारा कर्तव्य भी बन जाता है कहीं ना कहीं। जब हम बात करते हैं हिंदी उत्सव की, जब हम बात करते हैं हिंदी दिवस की, ये जानकारी मुश्किल होती है मिलनी। कविताएं भी हम सुन लेते हैं लेकिन जब जानकारी जो सच है, जो हर बच्चे को पता होना चाहिए, बच्चे छोड़ो बड़ों को नहीं पता होता, हम में से बहुतों को नहीं पता होता, तो ये चीजें बिल्कुल बहुत जरूरी है कि हम सुने और लोगों को सुनाएं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर जानकारी के साथ बहुत ही उम्दा कविता पाठ किया, बधाई आपको अनिता जी। इसके साथ ही मैं रोक नहीं पाई अपने आप को, मुझे ये कहना पड़ा, माफ करिएगा मुझे, मैं बीच में कूद पड़ी हूँ। जी जी नहीं दीदी बोलिए ना, मतलब जो मैं अभी आपके संचालन के बीच में बोल रही हूँ, बीच बीच में जरा मेरा मन नहीं 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 दीदी आपका बोलना जरूरी है साथ में। नहीं जरूरी तो नहीं है पर मैं मुझे दिख रहा है कि लोगों के भाव भी वही हैं तो मेरा मन किया कि मैं जरूरी आप नहीं दीदी हमारे सबके प्रोत्साहन के लिए आपका साथ होना, आपका बोलना बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। मैंने सपना जी एक्चुअली भारत के लिए दो चार लाइन गीत ये मैं सोची थी गाने के लिए,
अपने भारत के आन बान शान के लिए, अगर अनुमति हो तो आप बोलेंगे तो मैं जरूर अपने भारत के आन बान शान के लिए। मैं यही मुझे लगता है कि बाकी के लोगों का भी अभी समय है, सीमित है हमारे पास, मगर हमारा पटल जो है इस तरह से आपके पास अगर कोई आपने गाए हुए अपने गीत हो, हम बिल्कुल आपको ये कहेंगे कि बल्कि हमें भेजिए, हम अपने YouTube चैनल पे सबको आमंत्रित करते हैं। आप मुझे हरप्रीत ने कहा था कि तुम एक लेकर आना, अगर होगा तो तुम्हें ये करेंगे। बिल्कुल समय देखते हैं, समय क्या हमें कितनी अनुमति देता है, मगर मैं ये कहूंगी कि आज नहीं तो भी उसे हम सुनना चाहेंगे और हम YouTube चैनल पर बिल्कुल उससे अलग से चलाना चाहेंगे। अगर आप गाती हैं तो आप अलग से मुझे उसका वीडियो भी भेज सकती हैं। मुझे हरप्रीत ने स्पेशली बोला था कि तुम्हें एक लेकर आना, अगर बात तो हरप्रीत के ऊपर जिम्मेदारी है, फिर वो मैं नहीं होती कोई। हाँ, आगे आगे बढ़ाए, मैं और भी अपने दोस्तों को सुनने के लिए लालायित हूँ। बिल्कुल जी, क्योंकि सभी अब बेसब्री से इंतजार कर रही है हमारी जो बची हुई कवितियां हैं। मैं आपका जो गीत है मैं सुनना जरूर चाहूंगी, मैं उसको आप मुझे भेजिएगा अलग से, बाद में चैनल पे उसको हम प्रेषित कर सकते हैं, वो हमेशा रहेगा चैनल पे। सपना जी, हम आगे आगे भी मिलते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल जी, चलिए अपनी अगली कवित्री रागिनी प्रीत जी को आमंत्रित करना चाहूंगी, जो बहुत ही सुंदर और बहुत ही स्पर्श करने वाले शब्दों के इस्तेमाल से सुंदर कविताओं की रचना करती हैं। इनका जन्म स्थान मुजफ्फरपुर बिहार है और पैतृक निवास धनबाद झारखंड से है। हमारे साथ सबसे खुशी की बात है, आज हमारे साथ तीन बहनें जुड़ी हुई हैं, रागिनी प्रीत, पुष्पा कर्ण और निरूपा कुमारी, तीनों बहनें हैं और धनबाद झारखंड इनका पैतृक निवास है। अभी इनका वर्तमान निवास जयपुर राजस्थान में है। इन्होंने बीकॉम किया है ऑनर्स में, साथ ही आईएमसी इसरा में सहायक प्रबंधक के पद पर यूनिसेफ के विभिन्न प्रोजेक्ट के लिए ये कार्य कर चुकी हैं। साथ ही चेतना विकास नामक सामाजिक संस्था के साथ भी इन्होंने काम किया है। वर्तमान में ये कर्णप्रिय एक मैथिली पत्रिका के संपादक मंडल के सदस्य के रूप में इंद्रधनुष बाल वाटिका का संचालन कर रही हैं। इनकी उपलब्धियां कुछ इस तरीके से हैं, कॉलेज काल में हिंदुस्तान, आज और विविध क्षेत्रीय पत्र पत्रिकाओं में इनके आलेख प्रकाशित हुए। वर्तमान में कुछ ऑनलाइन पत्रिका में भी इनकी रचनाएं प्रकाशित हुई हैं, मिथिला आंगन पत्रिका, कर्णप्रिय और साहित्य वसुधा संसार वेब पत्रिकाओं में भी इनकी कविताएं प्रकाशित हुई हैं। इनकी चंद पंक्तियों से मैं इन्हें आमंत्रित करना चाहूंगी। जीवन का सार्थक रहस्य कहती हूँ, जीवन का सार्थक रहस्य कहती हूँ, सुख शासन और जीवन, सुख शासन और जीवन स्त्री पुरुष दोनों के लिए ही है सम, स्त्री पुरुष दोनों के लिए ही है सम, न कम न ज्यादा, न पूरा न आधा, सृष्टि का कण कण बराबर है हर क्षण, सृष्टि का कण कण बराबर है हर क्षण। स्वागत है रागिनी प्रीत आपका। बहुत बहुत धन्यवाद प्रीत जी, और मंच का बहुत बहुत आभार कि मुझे इस मंच पर आकर कवि पाठ का अवसर मिला है अच्छे और प्रतिभाशाली कवियों के बीच। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए अपनी कविता शुरू करती हूँ। तो सबसे पहले मैं हिंदी भाषा के ऊपर दो लाइन कहना चाहूंगी, क्योंकि हम हिंदी दिवस सप्ताह मना रहे हैं, तो हिंदी दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और चार पंक्तियां हैं मेरी। भाषा जो पूरे देश को एक साथ करती है, भाषा जो पूरे देश को एक साथ करती है, बंधुत्व का सबके हृदय संचार करती है। भाषा जो पूरे देश को एक साथ करती है, बंधुत्व का सबके हृदय संचार करती है। माँ भारती के कंठ की है हार वैजयंती, अभिमान है सम्मान है गर्व की कांति, अभिमान है सम्मान है यह गर्व की कांति। यह है हमारी हिंदी भाषा, हम सब का अभिमान, हम सब का गौरव। बहुत सुंदर, शुक्रिया। अब मैं अपनी एक पहली रचना प्रस्तुत करने जा रही हूँ जो मेरे दिल के काफी करीब है, पर्सनली मुझे ये कविता बहुत पसंद है। शीर्षक है आवारा। स्वागत है। एक भ्रमर ने फूल का लब चूम क्या लिया, एक भ्रमर ने फूल का लब चूम क्या लिया, कहने लगे सभी आवारा आवारा,
एक भ्रमर ने फूल का लब चूम क्या लिया, कहने लगे सभी आवारा आवारा, बर्फ कुछ पिघली पर्वत से फिर फिसली, बर्फ कुछ पिघली पर्वत से फिर फिसली, कहने लगी दुनिया आवारा आवारा, कहने लगी दुनिया आवारा आवारा। चुपचाप थी सहमी खुद में कली सिमटी, चुपचाप थी सहमी खुद में कली सिमटी, कोई कहेगा क्या इस सोच में लिपटी। हिम्मत जुटा उसने कुछ पंखुड़ी खोली, हिम्मत जुटा उसने कुछ पंखुड़ी खोली, फुसफुसाए लोग आवारा आवारा, फुसफुसाए लोग आवारा आवारा। कुछ श्याम ली घटा उमड़ी थी मतवाली, कुछ श्याम ली घटा उमड़ी थी मतवाली, चाहती थी चूमना नब की हरिक डाली, कुछ श्याम ली घटा उमड़ी थी मतवाली, चाहती थी चूमना नब की हरिक डाली, बरसी नहीं कुछ पल करने लगी विचरण, बरसी नहीं कुछ पल करने लगी विचरण, सूखे नयन बोले आवारा आवारा, सूखे नयन बोले आवारा आवारा। आवारगी क्या है जो सोचने लगी, आवारगी क्या है जो सोचने लगी, कुछ साहसी गलियां मुझको भी मिल गई। आवारगी क्या है जो सोचने लगी, कुछ साहसी गलियां मुझको भी मिल गई, कुछ लीक से अलग करने की है हसरत, दिल करे हो जाऊं आवारा आवारा, दिल करे हो जाऊं आवारा आवारा। ये थी मेरी पहली कविता, शीर्षक था आवारा। आशा है आप सबको पसंद आई होगी। अब मैं अपनी अगली रचना प्रस्तुत करने जा रही हूँ, इसका शीर्षक है कन्या भ्रूण का संदेश। देखा जाए तो हम अपने शब्दों में बातों में हिंदी और कन्या की स्थिति एक जैसी है, दोनों को किताबों में और बातों में खूब सम्मान मिलता है, लेकिन वास्तविकता में दोनों अपने अधिकार के लिए तरसती हैं। तो यहाँ मैं कन्या भ्रूण हत्या का एक संदेश देना चाहूंगी, आशा है आप सबके दिल तक मैं अपनी बात पहुंचा पाऊंगी। माँ के गर्भ में ले रही थी अंगराइयां, माँ के गर्भ में ले रही थी अंगराइयां, माता पिता की सुंदर परछाइयां, माँ के गर्भ में ले रही थी अंगराइयां, माता पिता की सुंदर परछाइयां, नन्ही सी भ्रूण एक मादा थी वह, नन्ही सी भ्रूण एक मादा थी वह, किलकारी लेने को आमादा थी वह, शुक्राणुओं के रण में वह ही विजेता बनी थी, शुक्राणुओं के रण में वह ही विजेता बनी थी, सबका संघर्ष था लेकिन वह ही जीवन से सजी थी। धक 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 धड़कने लगा प्राण उसमें, धक 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 धड़कने लगा प्राण उसमें, सजने लगे थे उम्मीदों के सपने। दुनिया में आएगी जब ये बिटिया, दुनिया की रौनक बढ़ाएगी बिटिया, दुनिया में आएगी जब ये बिटिया, दुनिया की रौनक बढ़ाएगी बिटिया, मिलेगी जो संज्ञा माता पिता से, उसमें विशेषण लगाएगी बिटिया। अभिभूत होंगे माता पिता, अभिभूत होंगे माता पिता, आदर व गौरव दिलाएगी बिटिया, यही सोचकर ध्रुव हर्षाती थी, जीवन का उद्देश्य दोहराती थी। तभी एक दिन खबर वह मिली, तभी एक दिन खबर वह मिली, दहशत में आई नन्ही कली, कहा अलविदा है माँ तुम्हें, सफर इतना ही था संग में तेरे, कहा अलविदा है माँ तुम्हें, सफर इतना ही था संग में तेरे, जाना है तुमने कि मादा हूँ मैं, जीवन तो हूँ पर बेजा हूँ मैं, कैसे करोगी खुद से जुदा माँ, जाना तरपोगी मेरे बिना, कहता है कोई मुझे धन पराया, कहता है कोई विपदा का साया, कहता है मुझको कोई धन पराया, कहता है कोई विपदा का साया, बाबुल के कंधे का बोझा बताकर, पैरों की विवाही का तोहमत लगाकर, कहते हैं सब क्यों बेटी न जन्मे, कुल में दीपक जले रोशनी न जन्मे,
अचरज व भय से वह भ्रूर थी व्याकुल। अचरज व भय से वह भ्रूर थी व्याकुल, माँ के माँ से छुड़ने के संशय से भयाकुल। जीवन जिस जीवन के सपने से अब तक सजी थी, उसको जीने से पहले वह मर रही। खुद को संभाला बोली धीरज धरो, खुद को संभाला बोली धीरज धरो, यही यह मेरी नियति है मन ना डरो। कई गर्भ से मैं निकाली गई हूँ, यह जान बेटी हूँ कुचली गई हूँ। कई गर्भ से मैं निकाली गई हूँ, यह जान बेटी हूँ कुचली गई हूँ। चलो इस दफा भी न दुनिया मिली, बेटे के दुनिया में है गत देनी। कोई संदेश मेरा इतना सुनो, बस कोई संदेश मेरा इतना सुनो, माता पिता से इतना कहो, सपने मेरे सब धरे रह गए, गोदी पालकी सब परे रह गए। सोचा था कंधा पिता की बनूंगी, माता के मन का साहस बनूंगी। हसरत के ऊपर उपवन में हंसती थी मैं, सपनों की दुनिया में रहती थी मैं। कहना कि मैं थी साहस भरी, सुंदर सी जैसे कोई पड़ी। शक्ति की पूजा करते हो जब, लक्ष्मी बना राह तकते हो जब, बेटी से जीने का हक छीन कर बहू के लिए क्यों सी सकते हो अब। जब तक न जाना कि बेटी हूँ मैं, तब तक उम्मीदों की बगिया थी मैं। जब तक न जाना कि बेटी हूँ मैं, तब तक उम्मीदों की बगिया थी मैं। मगर लिंग ने क्या सितम भा दिया, जन्म लेने से पहले फना कर दिया। चलो कोख होगी तब बेटा मिलेगा, चलो कोख होगी तब बेटा मिलेगा, बढ़े वंश जिससे वह सुख मिलेगा। मगर एक दिन जब बेटी न होगी, सोचा है तब कैसे सृष्टि बचेगी। सुत और सुता दोनों वरदान है, परमात्मा की संतान है। जीवन का सपना और तोड़ो नहीं, अब और बेटी को मारो नहीं, अब और बेटी को मारो नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर संदेश देती हुई आपकी कविता। सचमुच बहुओं के लिए सिसकना ही पड़ेगा, जब बेटियों का इस तरीके से भ्रूण हत्या से किया जाएगा तो बहुओं के लिए परेशानी होना पड़ेगा। बहुत सुंदर संदेश। मैं जरूर बताना चाहूंगी यहाँ पे रागिनी जी, जो लोग सुन रहे हैं आपको, आप खुद भी जाके जब देखेंगी तो आपको पता चलेगा, हर एक के दिल को छुई है ये कविता, और इतनी मार्मिक, इतनी संवेदनशील है, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदरता से आपने इतने बड़े और इतने विशाल जो विषय को इतने अच्छे से उसको बुनकर आपने पेश किया। बहुत ही मार्मिक, बहुत संवेदनशील, बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद इस कविता के लिए, बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। इसके साथ ही हम आएंगे अपनी अगली कवित्री निरूपा कुमारी के पास। निरूपा कुमारी का भी पैतृक घर झारखंड धनबाद से है, अभी कलकत्ता में निवास करती हैं। इन्होंने बैचलर ऑटोमेट्री में किया है, ये गृहिणी हैं और आई केयर प्रैक्टिशनर भी हैं, साथ में ये आंखों के चिकित्सक भी हैं। ये कविताएं लिखती हैं, इनकी कविताएं बहुत से पुस्तकों में प्रकाशित हुई हैं, जैसे काव्यवाणी, साहित्यनामा, अदमय, प्रेरणा, काव्य रसिका आदि। बहुत सारे डिजिटल पत्रिकाओं में भी इनकी रचनाएं प्रकाशित हो चुकी हैं और मासिक पत्रिकाओं में भी। साथ ही इन्हें भिन्न भिन्न समूहों में बहुत से सम्मान भी प्राप्त हुए हैं। निरूपा कुमारी जी, स्वागत है आपका कविता पाठ के लिए। उससे पहले आपकी लिखी हुई चंद पंक्तियां आपको समर्पित। पल भर में नेस्ता नाबूद कर जाती, पल भर में नेस्ता नाबूद है कर जाती, क्यों ना थमा दे, क्यों न थमा दे इस नफरतों की आंधी को बिन बात की बर्बादी से। वापस ले आए फिर से प्रेम की दिवाली को, वापस ले आए फिर से प्रेम की दिवाली को, अंधेरे में भी करे प्रकाश की रखवाली को, अंधेरे में भी करे प्रकाश की रखवाली को। स्वागत है निरूपा जी आपका। बहुत आभार करती हूँ मैं मंच का और हरप्रीत जी का और सपना दी का कि उन्होंने इतना सुंदर मंच दिया हमें कि हम अपनी रचनाएं आप तक पहुंचा सकें। तो मैं समय ना जाया करते हुए अपनी रचना आप सबके सामने रखती हूँ। सर्वप्रथम हिंदी दिवस की सबको ढेरों शुभकामनाएं। हिंदी दिवस पे बहुत सारी कविता हो चुकी हैं, इसलिए मैं
वो कविता नहीं नीलमा जी, एक कुछ आए, मुझे लगता है कि आपकी जो माइक है उसमें कुछ त्रुटि है, आवाज गूंज सी रही है, थोड़ी एको सी हो रही है। अच्छा, हम इतनी प्यारी कविता को का जो लुत्फ है वो नहीं छोड़ना चाहते हैं, वो सुंदर कविता की सुंदरता इस टेक्निकलिटी की वजह से नहीं खराब होनी चाहिए, इसलिए मैंने बीच अभी क्या आवाज आ रही है जैसे अभी भी गूंज रही है? गूंज तो रही है अभी भी आवाज, शायद आपने जो हेडफोन लगाए हैं उसकी वजह से है। हेडफोन तो मैंने हटा दिया है, हेडफोन नहीं लगा हुआ एक्चुअली। मीना जी आप कुछ कहना चाह रही हैं? हेलो, आ रही आवाज? मैं क्या अभी क्लियर हूँ? क्लियर तो है लेकिन बीच में कुछ खरखराहट सी कुछ ऐसी है आवाज। मीना जी आप कुछ सजेशन अगर देना चाह रही हैं तो आप अपने आप को अनम्यूट कर सकती हैं, मैंने रिक्वेस्ट भेजी। जी आई थिंक उनको ईयर प्लग रिमूव करके बोलना चाहिए अगर ज्यादा दिक्कत हो रही है उससे। तो नहीं, मैंने ईयर प्लग रिमूव किया है एक्चुअली। कोई बात नहीं, ओके चलिए बोलिए देखते हैं। ओके, मैं व्यवधान के लिए माफी चाहूंगी। मेरी रचना का शीर्षक है, कैसे कहूँ आजाद हूँ मैं। आज सोचने बैठी कि आजादी क्या है, आज सोचने बैठी कि आजादी क्या है, सोचा जमीन से पूछूं। वो बोली मैं कैसे बताऊं, मैं तो खुद ही सीमाओं में बंधी हूँ, हर जगह बटी हूँ, तुम मनुष्यों ने ही मुझे बांटा है, उन्हीं से पूछो, बांटने बटने में जाने क्या मजा आता है। फिर मैंने पूछा नदी से, वो बोली मुझसे क्या पूछती हो, वो बोली मुझसे क्या पूछती हो, मैं तो वो हूँ जिसकी लहरें रोज बांधों से जूझती हैं, मैं तो वो हूँ जिसकी लहरें रोज बांधों से जूझती हैं, अपने उन्माद को फिर पाने को रास्ता ढूंढती हैं, अपने उन्माद को पाने को फिर रास्ता ढूंढती हैं, जगह जगह कचरों के ढेर में खोती नदी से नाला होती हूँ, जगह जगह कचरों के ढेर में खोती नदी से नाला होती हूँ, जवाब की चाह में मुझे जवाब की चाह मुझे पंछियों तक लेके गई, जब मैंने उनसे पूछा तो वो भी उदास कह रही सुना तो था कभी, वो भी उदास हो कह रही सुना तो था कभी, पर मुझे इसका अनुभव मिला नहीं, खुले गगन में जी भर कहाँ उड़ पाती हूँ, खुले गगन में जी भर कहाँ उड़ पाती हूँ, पल यान में मिसाइलों और धुएं से घबराती हूँ, हर पल यान मिसाइलों और धुएं से घबराती हूँ, मन चाहा आशियाना बनाने को एक पेड़ भी बड़ी मुश्किल से पाती हूँ, मन चाहा आशियाना बनाने को एक दरख्त भी बड़ी मुश्किल से पाती हूँ, वो भी न कट जाए हर पल घबराती हूँ, वो भी न कट जाए हर पल घबराती हूँ, डर में ही जीती हूँ आज़ाद कहाँ हो पाती हूँ, डर में ही जीती हूँ आजाद कहाँ हो पाती हूँ। फिर मैंने पूछा पवन से, फिर मैंने पूछा पवन से, इसी विश्वास से कि उसे तो जरूर पता होगा, इसी विश्वास से कि उसे तो जरूर पता होगा, भला उसने कब किसने टोका रोका होगा, भला उसे कब किसने टोका रोका होगा, पर वो बोला बनकर भोला, पर वो बोला बनकर भोला, मैं नहीं अपनी दिशा दशा अकेले तय कर पाता, मैं नहीं अपनी दिशा दशा अकेले तय कर पाता, मुझे तो नदियों पेड़ों का साथ है भाता, जहरीली हवाओं से मैं भी घबराता, पर अब मैं भी उनसे जी भर मिलने को तरस हो जाता, पेड़ तुमने काट दिए नदियों पे पहरे बिठा दिए, ऐसे में हम खुल के कैसे जिए, ऐसे में हम खुल कर कैसे जिए, आजाद खुद को क्यों कर कहें, आजाद खुद को क्यों कर कहें, आज़ादी को समझने के प्रयास में आज मैं हुई हताश हूँ, आज़ादी को समझने के प्रयास में आज हुई मैं हताश हूँ, निराश हूँ, सबकी आज़ादी छीन कर कैसे कहूँ मैं आज़ाद हूँ, कैसे कहूँ मैं आज़ाद हूँ। बहुत सुंदर रूपा जी, बहुत सुंदर रचना थी रूपा जी आपकी।
सच में जिस तरीके से एक और कविता लेने वाली है, तो देखिए अगर किसी ने मुझे कमेंट्स में, मैं कमेंट्स पढ़ रही हूँ, तो वो कह रहे हैं शायद कभी कभी पंखे की आवाज से भी ये बैकग्राउंड नॉइज आती है, तो पंखा चल रहा है तो उसे बंद करना पड़ेगा, गर्मी में हमें कविता सुनानी पड़ेगी। वो मुझे भी यहीं पे पता चला है, तो मैंने कहा रोक लेती हूँ, टोक लेती हूँ, कविता आने वाली है, ज्यादा अच्छे से सुन पाएंगे। और कविता लेकिन इतनी सुंदर थी ना हरप्रीत, के मुझे लगता है सभी जो हाँ बोल रहे हैं उन्हें मजा जरूर आया है जो मेरे साथ जुड़ी हुई है। हरप्रीत क्या बोलती हो तुम? जी जी, वाकई बहुत सुंदर कविता थी। हमारे पर्यावरण का जो हाल है, इतना सुंदर इन्होंने संदेश इतने सीधे सरल शब्दों में दिया है अपनी कविता से, बहुत सुंदर रचना रूपा जी, बहुत प्यारी। धन्यवाद धन्यवाद, स्वागत है आपका दूसरी कविता के लिए। जी, मेरी दूसरी कविता का शीर्षक है स्त्री और समाज। स्वागत जोर से हंसने पर, कभी जोर जोर से हंसने पर, कभी मनचाहे कपड़े पहनने पर, कभी बेवक्त घर से बाहर निकलने पर, तो कभी सजने सवरने पर, कुछ तो लोग कहेंगे, कुछ तो लोग कहेंगे। कभी स्वतंत्र विचारों पर टोकेंगे, कभी आगे बढ़ने से रोकेंगे, कभी प्रेम पे प्रश्न उठाएंगे, और किसी की नजर अगर तुम पे पड़े उसके लिए भी दोषी तुम्हें ही ठहराएंगे, उसके लिए भी दोषी तुम्हें ही ठहराएंगे। क्या बात, किसी को रोक ना पाओगी, किसी को रोक ना पाओगी हर बार हर बात पर, कुछ तो लोग कहेंगे, कुछ तो लोग कहेंगे। घर में अगर गृहिणी बन रहोगी, नाकाबिल आराम पसंद हो यही सुनोगी। घर में अगर गृहिणी बन रहोगी, नाकाबिल आराम पसंद हो यही सुनोगी। अगर घर के बाहर कदम रखोगी, पर निकल आए हैं तुम्हारे हर कदम पर सुनोगी। तुम्हारे कद काठी पे, तुम्हारे बोल चाल रहन सहन हर बात पे, कुछ ना कुछ सुनती ही रहोगी, कुछ ना कुछ सुनती ही रहोगी। ये पुरुष प्रधान समाज है, यहाँ स्वाधीनता से सांस भी ली अगर तुमने, सबकी आंखों में चुभोगी। ये पुरुष प्रधान समाज है, सबकी आंखों में चुभोगी अगर स्वाधीनता से सांस भी ली तुमने। ये समाज ये देख ना पाएगा अपने खिलाफ तुमको सर उठाते हुए, ये समाज देख ना पाएगा अपने खिलाफ तुमको सर उठाते हुए। इसको भाती है नारी बस गुलामी में सर झुकाते हुए, इसको भाती है नारी बस गुलामी में झुकाते हुए। सीता के तप त्याग और बलिदान को समझा इसने, न सीता के तप त्याग और बलिदान को समझा इसने, न द्रौपदी के आत्मसम्मान को सराहा इसने, न ये कभी अहिल्या का हुआ न राधा का हुआ, न ये कभी अहिल्या का हुआ न राधा का हुआ। यशोधरा अकेले ना नाम गौतम बुद्ध का हुआ, यशोधरा अकेले शिशुपालन करती रही नाम गौतम बुद्ध का हुआ। पुरुष को कब यहाँ अग्नि परीक्षा से गुजरना हुआ, पुरुष को कब यहाँ अग्नि परीक्षा से गुजरना हुआ। राम हो या बुद्ध, राम हो या बुद्ध, इनको जग ने सदा ही भगवान कहा। राम हो या बुद्ध, इनको जग ने सदा ही भगवान कहा। हर युग में हर दशा में सिर्फ नारी नहीं है सहा, हर युग में हर दशा में सिर्फ नारी नहीं है सहा। लोगों ने हमेशा स्त्री को ही है कहा, लोगों ने हमेशा स्त्री को ही है कहा। छोड़ दो इन समाज की बातों को, ये तो चुप रहने से रहा। छोड़ो इन समाज की बातों को, ये तो चुप रहने से रहा। तुम अग्रसर हो अपने सपनों को साकार करने के पथ पे, तुम अग्रसर हो अपने सपनों को साकार करने के पथ पर। बढ़े चलो जग की बातों को अनसुना करके, बढ़ते चलो अपनी पथ पर जग की बातों को अनसुना करके। साहस करो और दिखा दो अपनी काबिलियत साबित करके, साहस करो और दिखा दो अपनी काबिलियत साबित करके। तुम्हारा कर्म ही लोगों को, तुम्हारा कर्म ही लोगों की बातों का है जवाब। दिखा दो तुम में है हिम्मत बेहिसाब, दिखा दो तुम में हिम्मत है बेहिसाब। क्या करना है डर डर के, क्या करना है डर डर के। अब खुल के जिएंगे, अब खुल के हम जिएंगे। कहने दो जो कुछ भी लोग कहेंगे, कहने दो जो कुछ भी लोग कहेंगे। धन्यवाद। क्या बात, क्या बात, बहुत बढ़िया, बेहतरीन, बहुत ही सुंदर दोनों रचनाएं, दोनों कविता पाठ आपके बहुत ही उम्दा। धन्यवाद।
कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अपनी अगली कवित्री मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से प्रियंका गहलोत को आमंत्रित करना चाहूंगी, जो प्रिया कुमार नाम से भी लिखती हैं। इन्होंने परा स्नातक किया है मनोविज्ञान में, एनटीटी में भी इन्होंने डिप्लोमा किया है। गृहिणी है, कवित्री है, स्वतंत्र लेखन करती हैं, तुकांत अतुकांत सब तरह की कविताएं ये लिखती हैं। बहुत ही सुंदर प्रेम रस से, श्रृंगार रस से ओतपोत इनकी खूबसूरत कविताएं होती हैं। बहुत से साझा काव्य संग्रह में इनकी कविताएं प्रकाशित हुई हैं, साथ ही कई समाचार पत्रों में भी इनकी रचनाएं प्रकाशित होती रहती हैं। व्यूअर कोट और प्रतिलिपि पर भी ये लिखती हैं। शब्दांचल द्वारा आयोजित काव्य पाठ में इन्हें भी स्वर्ण पदक साथ ही प्रशस्ति पत्र प्राप्त हुआ है और प्राची पब्लिकेशन द्वारा इन्हें अपराजिता कवित्री सम्मान की भी प्राप्ति हुई है। बहुत ही उम्दा लेखन करती हैं प्रियंका जी। प्रियंका जी की चार पंक्तियों के साथ ही मैं उनको आमंत्रित करना चाहूंगी कविता पाठ के लिए। आज पूछ लिया किसी ने यूं ही, आज पूछ लिया किसी ने यूं ही, तस्वीर में पीछे क्या हकीकत है, तस्वीर के पीछे क्या हकीकत है, ताजे रखे हैं जख्म मुस्कान के, ताजे रखे हैं जख्म मुस्कान के, अस्तर में जो कुछ अपने गैरों की बदौलत है, सीखते आ रहे हैं एक अरसे से छुपाने का हुनर, सीखते आ रहे हैं एक अरसे से छुपाने का हुनर, फिर भी एहसास झाके लफ्जों की ओर से, फिर भी एहसास झाके लफ्जों की ओर से। इन्हीं पंक्तियों के साथ स्वागत है प्रियंका जी आपका कविता पाठ के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद हरप्रीत जी, बहुत धन्यवाद मंच, हिंदी दिवस की सभी को बहुत शुभकामनाएं। दो पंक्तियों से हिंदी को नमन करते हुए मैं अपना काव्य पाठ आरंभ कर रही हूँ। नेही भरी लोरी लगे ममता जैसी छाओ, नेही भरी लोरी लगे ममता जैसी छाओ, मन से मन को जोड़ती हिंदी शीतल ठाओ, मन से मन को जोड़ती हिंदी शीतल ठाओ। हमारी भाषा हिंदी इतनी प्यारी है, इतनी शीतल है कि मन से मन को वो जोड़ लेती है, और सुन के जो एहसास जो भाव मिलते हैं जो जुड़ते हैं उससे आप लोग अज्ञान नहीं हैं, सभी लोग को ज्ञात है कि हिंदी किस तरह से हमें जोड़ती है। लेकिन दुख होता है कभी कभी जब मैं हिंदी को उपेक्षित होते हुए देखती हूँ। हिंदी के नाम से जब भाषा की बात आती है तो प्रश्न उठता है कि शब्द चुभते हैं कि क्या चुभता है। जब हम कहते हैं कभी कभी ये शब्द जहां प्रेम की उत्पत्ति करते हैं वहीं चुभते भी हैं, तो उसी पर मैंने कविता लिखी थी कि शब्द नहीं चुभते। कविता के पंक्तियां निवेदित कर रही हूँ, आप तक पहुंचे तो बताइए। शब्द नहीं चुभते, शब्द कभी नहीं चुभते, चुभ ही नहीं सकते, शब्द कभी नहीं चुभते, चुभ ही नहीं सकते, क्योंकि शब्द तो एक रीत है, एक कला है, क्योंकि शब्द तो एक रीत है, एक कला है। हाँ व्याकरण है भाषा का, हाँ व्याकरण है भाषा का, पन्नों पर लिखा गया, फोटो से बोला गया, शब्द नहीं चुभते, चुभ ही नहीं सकते। तो क्या चुभते हैं? शब्द नहीं चुभते, बस बात कहते हैं। तो चुभता क्या है? शब्द नहीं चुभते, बस बात कहते हैं, तो चुभता क्या है? अर्थ, अर्थ चुभते हैं, शूल की तरह चुभकर धस जाते हैं मस्तिष्क और हृदय में, अर्थ चुभते हैं, शूल की तरह चुभकर धस जाते हैं मस्तिष्क और हृदय में, क्योंकि शब्द तो शब्द ही रहते हैं, अर्थ बदलते रहते हैं रूप अपना, क्योंकि शब्द तो शब्द ही रहते हैं, अर्थ बदलते रहते हैं रूप अपना, प्रत्येक के लिए प्रत्येक का, शब्द नहीं चुभते। कभी कभी आंखें भी शब्द कहती हैं, कभी कभी ये आंखें भी शब्द कहती हैं, मगर तब भी अर्थ ही आंखें समझती हैं, ये शब्द नहीं चुभते, चुभ ही नहीं सकते, क्योंकि शब्द तो रीत है, एक कला है, हाँ व्याकरण है भाषा का। शब्दों की बात मैंने कही तो ये हिंदी शब्दों से लिखी एक कविता आप सुन लोगों के सामने मैं प्रस्तुत करने जा रही हूँ। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया कविता पाठ, बहुत धन्यवाद।
हिंदी की छोटी छोटी प्यारी प्यारी बेटियां हैं जिनके साथ भी प्रियंका जी पूरी हिम्मत से कविता पाठ करने का प्रयास करती है। स्वागत है प्रियंका जी आपका। मैं वही देख रही हूँ हरप्रीत प्रिया, बहुत प्यारी सी छोटी छोटी सी जो है आपकी बेटियां देख रहे हैं हम तब से, बहुत प्यारा लग रहा है। मतलब एक तो ये भाव कि आप फिर भी अपने मन की बात जो अपना करती हैं, अपने मन के लिए जो स्वांतर सुखाए आप जो लिखती हैं वो आप सबके साथ साझा इन सब परिस्थितियों में भी कर रही हैं, ये बात मुझे लगता है बहुत सी लड़कियों के लिए सीखने वाली है। बहुत तो मायने रखता है, करते हैं कि बच्चे छोटे हैं नहीं कर सकते, ये है प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम, कारण बहुत सारे बन जाते हैं नहीं करने के, और जब आप करना चाहें तो कारण बना लेते हैं करने के। ये चीज आप सभी लोग जो सुन रहे हैं और देख रहे हैं जरूर प्रिया जी से सीखें और अपने जीवन में अपनाएं। बहुत सुंदर प्रिया जी, बहुत धन्यवाद। सपना जी, मैं हिंदी में ही लिखी एक कविता आपके सामने रख रही हूँ। अधिकांश प्रेम लिखती हूँ, हरप्रीत जी ने बताया ही है मेरा मुख्य विषय प्रेम रहता है। बहुत सुंदर लिखी है प्रेम भी। प्रेम भी सुनाइए, हम प्रेम भी सुनेंगे, प्रेमी लोग हैं जी। बिल्कुल जी, छोटी छोटी सी दो रचनाएं हैं, जरूर प्रस्तुत करना चाहूंगी, मुझे बहुत खुशी होगी बांट के आपसे। ये लिखा है मैंने सांझ के रंग को। बेटा एक मिनट, एक नेटवर्क प्रॉब्लम जी, क्षमा चाहूंगी। नहीं कोई बात नहीं, क्षमा चाहूंगी वो बेटी। प्रेम के लिए मैंने सांझ के रंग को लिखना चाहा यहाँ पर राधा कृष्ण के रूप में। सुनिएगा किस तरह से लिखा है। क्षितिज की रेखा पर दूर जब, क्षितिज की रेखा पर दूर जब दिन बीज बो देता है। क्षितिज की रेखा पर, ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा चित्र अपने दिमाग में बनाइएगा कि क्षितिज की रेखा पर दूर जब दिन सूरज का बीज बो देता है, सांझ की कोपल बंद कर वहां तब एक दिव्य अचरज फूटता है। क्षितिज की रेखा पर दूर जब दिन सूरज का बीज बो देता है, सांझ की कोपल बंद कर वहां तब एक दिव्य अचरज फूटता है। उस सुरमई सांझ के श्वेत श्याम रंग को, उस सुरमई सांझ के श्वेत श्याम रंग को रात भर लेती है अपने नैनों में, कि कोई भाप ना सके, कि कोई भाप ना सके उन रोई आंखों की सुर्खी है अपने नैनों में, कि कोई भाप ना सके उन रोई आंखों की सुर्खी और दर्द छिपा जाती है स्याह होकर। सुनो सुनो, तुम कभी सांझ की उस सुरमई का, तुम कभी सांझ की उस सुरमई का, क्यों? क्योंकि वो रंग प्रेम का है। क्यों? क्योंकि वो रंग प्रेम का है, वो रंग प्रेम का है, वो रंग राधा कृष्ण है, वो रंग राधा कृष्ण है। छोटी सी कविता थी ये मेरी राधा कृष्ण के लिए। एक छोटी सी कविता और है, लिखी थी कि जब पहली बार दुष्यंत ने देखा होगा ये शकुंतला को तो उनके मन में क्या भाव उपजे होंगे, तो उसी श्रृंगार रस में मैंने ये कविता लिखी है। पंक्ति प्रस्तुत करती हूँ। श्वेत अंबर में लिपटी हो जैसे कौमुदी, श्वेत अंबर में लिपटी हो जैसे कौमुदी, समुद्र बीच धवल कवल सी रूप सी, श्वेत अंबर में लिपटी हो जैसे कौमुदी, सरोवर बीच धवल कवल सी रूप सी, पग में लिपटे चांदी के तारे बड़े लगते हैं प्यारे, पग में लिपटे चांदी के तारे बड़े लगते हैं प्यारे, महावर की लाली से रंगे पांव दिखते हैं न्यारे, पग में लिपटे चांदी के तारे बड़े लगते हैं प्यारे, महावर की लाली से रंगे पांव दिखते हैं न्यारे, स्वर्ण करधनी से अलंकृत सुडोल मध्य देश, स्वर्ण करधनी से अलंकृत सुडोल मध्य देश, चूड़ियों की खनक स्पंदन पैदा करे मेरे हृदय, चूड़ियों की खनक स्पंदन पैदा करे मेरे हृदय, स्वर्ण करधनी से अलंकृत सुडोल मध्य देश। हे कमल नयनी, हे कमल नयनी तेरे कजरे पर घन मोहित, हे कमल नयनी तेरे कजरे पर घन मोहित, अधरों पर सांझ सी घुलती सुहाती रोहित, हे कमल नयनी तेरे कजरे पर घन मोहित, सांझ सी घुलती सुहाती रोहित,
पवन भी उलझती तेरे झूलते सुनहरे कर्ण फूल में, पवन भी उलझती तेरे झूलते सुनहरे कर्ण फूल में, जुगनू सा झिलमिल चमके हीरक नासा फूल में, जुगनू सा झिलमिल चमके हीरक नासा फूल में, सोलह श्रृंगार से अलंकृत तू मोहिनी मृत त्रिषा है, सोलह श्रृंगार से अलंकृत तू मोहिनी मृत त्रिषा है, बूझ लूं कैसे पहेली दुष्यंत की ये मित्रषा है, बूझ लूं कैसे पहेली दुष्यंत के ये मित्रषा है, श्वेत अंबर में लिपटी हो जैसे कौमुदी सरोवर बीच धवल कवल सी रूप सी, सरोवर बीच धवल कवल सी रूप सी। बहुत धन्यवाद मंच, बहुत धन्यवाद सपना जी, बहुत मुझे अवसर देने के लिए हिंदी दिवस का, बहुत धन्यवाद। बहुत कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति हमारी सबसे आखिरी कवित्री मीना सिंह जी को आमंत्रित करना चाहूंगी। हरप्रीत अंतिम मैं नहीं कहूंगी, मीनू जी तो आएंगी ही और मीनू जी के बाद मैं किसी और को भी बुलाने वाली हूँ, तो वो तैयार रहे जी, वो जान गया कौन है। तो सुने बिना थोड़ी ना हम छोड़ेंगे, क्या कहती हो मीना? बिल्कुल सही बात, हम बिल्कुल सुनना चाहेंगे हरप्रीत जी को, हरप्रीत को भी सुनना चाहेंगे। तो मीना तो सुना रही है, पर हरप्रीत तुम तैयार हो जाओ संचालक का काम तब तक पूरा नहीं होगा जब तक संचालिका भी कुछ नहीं सुनाएंगी। बिल्कुल सही बात जी। मीना सिंह जी का उपनाम है मीना सिंह, मीन नाम से लिखती है। इनका जन्म स्थान नई दिल्ली है। इनकी शैक्षणिक योग्यता, इन्होंने बीकॉम में स्नातक हैं ये। निजी व्यवसाय गृहिणी, लेखन, समाज सेविका, बहुत कुछ करती हैं एक साथ। ह्यूमन केयर फाउंडेशन नई दिल्ली, साथ ही फेसबुक पर चेतना मंच का संचालिका में भी ये हैं। बहुत सुंदर संचालन करती हैं मीना जी, बहुत सुंदर कार्यक्रम इनके समूह में भी आयोजित होते हैं। इनकी ही चंद पंक्तियों से मैं इनको आमंत्रित करना चाहूंगी कविता पाठ के लिए। खुद को लेखिका नहीं आवाज समझती हूँ, खुद को लेखिका नहीं आवाज समझती हूँ, जिसे खौफ नहीं है जमाने की रुसवाई से, जिसे खौफ नहीं है जमाने की रुसवाई से, बेबाक की कोशिशें मेरी रंग लाएंगी बदलाव भी, बेबाक की कोशिशें मेरी रंग लाएंगी बदलाव भी, बुन रही हूँ एहसासों को उम्मीद की सलाई से, बुन रही हूँ एहसासों को उम्मीद की सलाई से। स्वागत है मीना जी आपका। बहुत धन्यवाद हरप्रीत जी इतने सुंदर स्वागत के लिए। और शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं यही कहना चाहूंगी कि आप बहुत खूबसूरत संचालन कर रही हैं। धन्यवाद मीना जी। हमारी मेरे साथ मैं सभी को जानती हूँ यहाँ पर जितने भी रचनाकार हैं, और सभी बहुत ही बेहतरीन लिखते हैं क्योंकि सभी को पढ़ती हूँ, तो उन सभी को उनकी कविताओं के लिए बहुत बधाई देना चाहूंगी। बहुत ही सुंदर रचनाएं थी आप सभी की, और साथ ही क्योंकि हम हिंदी उत्सव के लिए जुड़े हैं तो हम सभी को मैं हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में भी बधाई व शुभकामनाएं देते हुए, और ज्यादा कुछ ना कहते हुए बस यही कहना चाहूंगी कि हम तो हिंदी साहित्य को आगे लेकर जा रहे हैं क्योंकि हम तो हिंदी में लिख रहे हैं, ठीक है। बस कोशिश यही कीजिए कि आप अपने घर में इस चीज को अपने बच्चों को भी हिंदी में भी लेकर जा सके, क्योंकि आजकल जो एजुकेशन या शिक्षा का जो भी माध्यम है हम लोग ज्यादातर इंग्लिश ही देते हैं अपने बच्चों को, तो वो जरूरी है लेकिन अपनी मातृभाषा के ज्ञान को हमें ही अपने बच्चों तक रखना होगा, हमें ही उन्हें सिखाना होगा। तो यहीं से मैं आगे बढ़ती हूँ, और पहली कविता अपनी मैं बिना शीर्षक है बस यूं ही एक रात दिमाग में उपजा और लिख दिया है, इसका कोई शीर्षक नहीं है, शीर्षक आप लोग तय कर लीजिएगा। मैं लिखती हूँ, नारी से संबंधित है, तो शुरुआत करती हूँ। पलकें बोझिल होकर झपकती हैं, पलकें बोझिल होकर झपकती हैं, मगर नींद जाने कहाँ भटकती है, पलकें बोझिल होकर झपकती हैं मगर नींद जाने कहाँ भटकती है, सोने की हर कोशिश नाकामयाब हो जाती है, असंख्य विचारों का तूफान उमड़ता है, सोने की कोशिशें नाकामयाब हो जाती हैं, असंख्य विचारों का तूफान उमड़ता है, कोई तो है, कोई तो है जो मुझ में नींद में भी जगता है, मन की अशांति
इस कदर झकझोर देती है, मन की अशांति इस कदर झकझोर देती है, मेरी देह खुद ब खुद बिस्तर छोड़ देती है। ढूंढने लगती है उद्विग्न होकर फिर सुकून, ढूंढने लगती है उद्विग्न होकर फिर सुकून, सच कहा है किसी ने जीतने के लिए जरूरी है जुनून। मैं हार से जीत का एक पुल बनाती हूँ, मैं हार से जीत का एक पुल बनाती हूँ, खुद में सोए हुए हनुमंत को जगाती हूँ। उसके जागते ही मुझे शक्तियां अपनी नजर आती हैं, उसके जागते ही मुझे शक्तियां अपनी नजर आती हैं, साथ ही नारी जीवन की रिक्तियां ठहर जाती हैं, साथ ही नारी जीवन की रिक्तियां ठहर जाती हैं। उसका दावा है, उसका दावा है कि पुरुष नारी को समझता है, उसका दावा है कि पुरुष नारी को समझता है, मगर सच है आज भी सिर्फ देह तक पहुंचता है, मगर सच है आज भी सिर्फ देह तक ही पहुंचता है। कोशिशें उसकी आदर्शवादी श्री राम बनने की, कोशिशें उसकी आदर्शवादी श्री राम बनने की, सच ये है वो सीता को आज भी परखता है, सच ये है वो सीता को आज भी परखता है। किसी तुच्छ के बोल सुन आज भी शंकित होता है, किसी तुच्छ के बोल सुन आज भी शंकित होता है, सच है बरसों बाद भी नारी मन रोता है। अपनी देह का सुख देने से उसे इनकार नहीं, अपनी देह का सुख देने से उसे इनकार नहीं, लेकिन क्या पुरुष को आज भी मन नारी का पढ़ने की दरकार नहीं, लेकिन क्या पुरुष को आज भी मन उसका पढ़ने की दरकार नहीं। मेरा आक्रोश इसी बात से चीख उठता है, मेरा आक्रोश इसी बात से चीख उठता है, देह प्रेम को ही वो प्रेम आज भी लिखता है, देह प्रेम को ही वो प्रेम आज भी लिखता है। नारी का प्रत्येक अंग छू लिया उसने प्रेमवश, नारी का प्रत्येक अंग छू लिया उसने प्रेमवश, बस नहीं छू सका आज भी उसका कोमल हृदय सरस, बस नहीं छू सका आज भी उसका कोमल हृदय सरस। उसके श्रवण और श्री राम बनने से मुझे ऐतराज नहीं, उसके श्रवण और श्री राम बनने से मुझे ऐतराज नहीं, लेकिन एक जीवंत नारी के परित्याग से मुझे सरोकार नहीं, लेकिन एक जीवंत नारी के परित्याग से मुझे सरोकार नहीं। नहीं कह पाऊंगी, नहीं कह पाऊंगी जय श्री राम शायद, क्योंकि सीता की अग्नि परीक्षा से मुझे इनकार है। नहीं कह पाऊंगी जय श्री राम शायद, क्योंकि सीता की अग्नि परीक्षा से मुझे इनकार है। नर नारी सदा से एक दूजे के पूरक हैं, नर नारी सदा से एक दूजे के पूरक हैं, और सृष्टि का इतना सरल सूत्र जो ना समझे वो मूर्ख है। नर नारी सदा से एक दूजे के पूरक हैं, और सृष्टि का इतना सरल सूत्र जो ना समझे वो मूर्ख है। धन्यवाद। बेहतरीन, बहुत बढ़िया कविता, बहुत ही बढ़िया, बेहतरीन कविता, बहुत धन्यवाद। और इसी क्रम में आगे बढ़ती हूँ और अपनी एक रचना है जो जिसका शीर्षक है आंखें, और इसे कई मंचों पर बहुत ज्यादा पसंद किया गया है, तो यही कविता मैं आपके समक्ष रख रही हूँ अपनी दूसरी प्रस्तुति के रूप में। स्वागत है जी। धन्यवाद। खुशी में भीग जाती है, गम हो तो बरसात करती है, खुशी में भीग जाती है, गम हो तो बरसात करती है, ये आँखें हैं जो आँखों से दिलों की बात करती है, ये आँखें हैं जो आँखों से दिलों की बात करती है। प्रेम पाकर पावन गंगा, विरह पाकर बेकल नदिया, प्रेम पाकर पावन गंगा,
विरह पाकर बेकल नदिया झलक मिल जाए प्रियवर की तो मन तृप्ति से भरती है। झलक मिल जाए प्रियवर की तो मन तृप्ति से भरती है। ये आँखें हैं जो आँखों से दिलों की बात करती हैं। क्रोध में है लाल ये लावेसी शांत चेहरे पे सुकून है ये। क्रोध में है लाल ये लावेसी शांत चेहरे पे सुकून है ये। मिला सम्मान तो भावुक हृदय का हाल करती है। मिले सम्मान तो भावुक हृदय का हाल करती है। ये आँखें हैं जो आँखों से दिलों की बात करती हैं। ये आँखें हैं जो सच और झूठ दोनों देख सकती हैं। ये आँखें हैं जो सच और झूठ दोनों देख सकती हैं। यही आँखें अगर बंद हो यही आँखें अगर बंद हो महाभारत ये रचती है। यही आँखें अगर बंद हो महाभारत ये रचती है। ये आँखें हैं जो आँखों से दिलों की बात करती हैं। अंतिम पारा है मेरी आँखें बयां करती जरा वो राज गहरे हैं। मेरी आँखें बयां करती जरा वो राज गहरे हैं। इन्हें पढ़कर समझ ले वो दुआ दिन रात करती हैं। इन्हें पढ़कर समझ ले वो दुआ दिन रात करती है। ये आँखें हैं जो आँखों से दिलों की बात करती है। बहुत बढ़िया मजा आ गया। समा बांध दिया आपने मीना जी। धन्यवाद। मीना जी बहुत मतलब जो कहते हैं ना शाम और रंगीन हो गई और सुरमय हो गई आपके सुरों के साथ। बहुत ही सुंदर बहुत सुंदर। सुरों का तो पता नहीं है सपना जी, इस वक्त मेरा थोड़ा गला खराब था लेकिन यदि ये गला खराब था तो फिर जब अच्छा होगा तब तो बात अलग होगी। थोड़ा गला खराब है इन दिनों। हम उस शाम का भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं जब आपका गला पूरी तरह से सही होगा फिर हम और सुने हमारा। धन्यवाद सपना जी, मिलते रहेंगे। और अब मैं जो आखिरी पड़ाव अब आ रहा है, अब मैं कह सकती हूँ कि हम आखिरी पड़ाव की तरफ जा रहे हैं, तो हरप्रीत को मैं बुलाना चाहूंगी। हरप्रीत बहुत प्यारी तुमने जिस तरह से संचालन किया, वैसे तो मैं तुम्हारा इस्तकबाल नहीं कर सकती हूँ पर मंच को इतनी प्यारी सुंदरियाँ और इतनी सुंदर कविताओं से सुसज्जित करने वाली कवियत्रियाँ दी, उसका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे यूबीआई मंच की तरफ से तुम्हें ढेर सारा प्यार और हम सब धन्यवाद धन्यवाद के इतने सारे प्यार के लिए। और मेरी सारी सखियों की भी मैं जितना धन्यवाद करूं जितना शुक्रिया करूं कम है, जिन्होंने आज शाम को इतना खूबसूरत बनाया है, इतना सुंदर कविता पाठ सबने किया है कि मुझे अब अपनी कविता पढ़ने में झिझक हो रही है। इतना अद्भुत सब लिखती है।
ये तुमने ज्यादा कह दिया कुछ, शायद इतना प्यारा तुम भी लिखती हो। ये देखो सब हंस रही हैं कि ये क्या बात कह दी हरप्रीत ने। हम सबको पता है कि हरप्रीत कितना अच्छा लिखती है। ये देखो अनीता जी ने उंगली दिखाई, बिल्कुल सुनाई दे रही है वो मुझे उंगली। बहुत सुंदर। तो हरप्रीत जी आपकी कुछ कविताएं हो जाएं, कुछ अलग माहौल बांधे और कुछ अपने अंदाज से सुनाएं। जैसे कि दीदी ने, सपना दीदी ने शुरुआत में ही कहा मुझे आजकल हास्य रस बेहद आनंद आ रहा है, तो मैं कुछ माहौल को हल्का फुल्का करते हुए अपनी हास्य कविता ही पढ़ना चाहूंगी पहले। ये हास्य कविता दर्शाएगी उस माहौल को जब ये भी कोरोना का 2 साल इतना हम लोगों ने कहर बर्दाश्त किया, इतनी सारी परेशानियां सबने झेली, इसमें जो सबसे ज्यादा परेशान हुए वो हमारे पति थे सबके। उनकी बीवियां मायके नहीं जा पाई, बिल्कुल कितना मुश्किल था, कितना साहस चाहिए था। 2 साल बीवियां मायके ना गई हो और उसके बाद जब बीवियां मायके जाए तो कैसा माहौल हो जाता है, यही बताएगी मेरी कविता। अगर मैं आप सभी को थोड़ा थोड़ा भी हंसा पाऊं तो मान लूंगी कि मेरा हास्य प्रयास सफल है। और मुझे लगता है सब ऑलरेडी हंस रहे हैं, अभी तुमने जो समा बांध दिया है हमें पता है कि क्या आ रहा है, तो बहुत ही मजा आ रहा है ऑलरेडी। जी कोशिश कर रही हूँ दीदी। महामारी के चलते 2 साल बाद कानों में आवाज ये आई, महामारी के चलते 2 साल बाद कानों में आवाज ये आई, मिलने को है आजादी, मायके जाने के मूड में श्रीमती है आई, मायके जाने के मूड में श्रीमती है आई। जैसे ही छूटी गाड़ी दोस्तों संग महफिल श्रीमान जी ने लगा ली, जैसे ही छूटी गाड़ी दोस्तों संग महफिल श्रीमान जी ने लगा ली। हसीन शाम और जाम, हसीन शाम और जाम, जिंदगी में इससे ज्यादा तो कुछ चाहा नहीं, जिंदगी में इससे ज्यादा तो कुछ चाहा नहीं। लेकिन लेकिन अगले दिन जब सुबह अलार्म बजता रहा, नींद खुली नहीं, खाली ग्लास, बर्तनों की दुर्गंध, शर्ट का जल्दी में टूटा बटन, दूसरी शर्ट भी स्त्री नहीं, दूसरी शर्ट भी स्त्री नहीं। 2-4 दिन तो चैन से बीते, 2-4 दिन तो फिर भी चैन से बीते, पर आगे ना घर वाली ना काम वाली, कैसी है मुसीबत भाई, कैसी है मुसीबत भाई, घर की करूं साफ सफाई या कपड़ों की अब मैं करूं धुलाई, घर की करूं मैं साफ सफाई या कपड़ों की अब मैं करूं धुलाई। कोविड टाइम में काम वालियां भी क्योंकि नहीं थी, ऑफिस में ऊपर से बॉस ने भी बैंड बजाई, ऑफिस में ऊपर से बॉस ने भी बैंड बजाई, जब घरवाली मायके चली गई तो ऑफिस भी खुल गए, अब ऑफिस भी जाना पड़ेगा। ओ आज दूध समय से उबला नहीं, फट गया, चाय भी अब नसीब होगी नहीं, ये अंधेरा क्यों अचानक कमरे में छाया, उफ बिजली का बिल भरना भी भूल गया, अब ये सब बर्दाश्त होता नहीं, अब ये सब बर्दाश्त होता नहीं, इस आजादी से तो वो गुलामी ही भली थी, इस आजादी से तो वो गुलामी ही भली थी। प्रिय गलती की मुझे तुम दे दो माफी, प्रिय गलती की मुझे तुम दे दो माफी, लौट तुम आओ ना करूंगा ये गुस्ताखी, लौट तुम आओ ना करूंगा अब ये गुस्ताखी, अगली दफा से साथ चल माँ से तुम्हारी, तुम्हें खुद ही मिलवा लाऊंगा, अगली दफा से साथ चल माँ से तुम्हारी, तुम्हें खुद ही मिलवा लाऊंगा। आजादी नहीं सुकून है मुझको प्यारा, आजादी नहीं सुकून है मुझको प्यारा, मेरे जीवन की डोरी तुम ही हो मेरा सहारा, मेरे जीवन की डोरी तुम ही हो मेरा सहारा। धन्यवाद। क्या बात है, बहुत सुंदर हरप्रीत, बहुत सुंदर। और अब जो है मैं सबको अनम्यूट कर रही हूँ, आप सभी कुछ जरूर कहें, जो जिसके मन में जो चल रहा है। हमारी हरप्रीत ने इतना प्यारा संचालन किया और आप सबने इतनी सुंदर सुंदर कविताएं सुनाई हैं। दीदी वैसे तो समय बहुत हो गया है, आपको बीच में रोक रही हूँ, मेरी छोटी सी गजल है जो मैं सभी के साथ बांटना चाहूंगी। बिल्कुल बिल्कुल इरशाद इरशाद, बिल्कुल बहुत छोटी सी है, ज्यादा समय नहीं लूंगी मैं। नहीं बिल्कुल, मैं खुश हो गई ये बात से, मुझे लगा कि हरप्रीत मुझे नहीं सुनाने वाली है गजल, बट मैं खुश हो गई। नहीं दीदी इतना सुंदर पटल है, आपके साथ जुड़े हैं, ये आखिरी पेशकश है मेरी, बस
छोटी सी गजल है, बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगी आप लोगों का। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल समय ही समय है, जब तुम सुना रही हो तो हम पूरे मन से सुनेंगे। और जब धन्यवाद लगता है ये सारे जितनी सखियां जुड़ी हुई हैं और जितने श्रोता जुड़े हुए हैं वो एक क्या दो गजलें भी सुन लेंगे तुमसे। छोटी सी गजल है बस मेरी, आ जाओ। उम्र का हर दौर है हंसी मजा लीजिए, उम्र का हर दौर है हंसी मजा लीजिए, जिंदगी गीत है बस गुनगुना लीजिए, जिंदगी गीत है बस गुनगुना लीजिए, उम्र का हर दौर है हंसी मजा लीजिए, होठों पर गिला न शिकवा रखिए, होठों पर गिला न शिकवा रखिए, प्यारी गुफ्तगू बस सुन सुना लीजिए, प्यारी गुफ्तगू बस सुन सुना लीजिए, उम्र का हर दौर है हंसी मजा लीजिए, नजरों में जीत का शगल रखिए, नजरों में जीत का शगल रखिए, हारने पे भी बस जरा भुनभुना लीजिए, हारने पे भी बस जरा भुनभुना लीजिए, उम्र का हर दौर है हंसी मजा लीजिए, उम्र का हर दौर है हंसी मजा लीजिए, तन्हाइयों से भी खुद को बाबस्ता कीजिए, तन्हाइयों से भी खुद को बाबस्ता कीजिए, महफिलों में कभी थोड़ा खिलखिला लीजिए, महफिलों में कभी थोड़ा खिलखिला लीजिए, उम्र का हर दौर है हंसी मजा लीजिए, उम्र का हर दौर है हंसी मजा लीजिए, बच्चों से शैतानियां कभी किया कीजिए, बच्चों से शैतानियां कभी किया कीजिए, रंगे हाथ पकड़े जाने पर मुस्कुरा दीजिए, रंगे हाथों पकड़े जाने पर मुस्कुरा दीजिए, उम्र का हर दौर है हंसी मजा लीजिए, जमाने के रिवाजों से भी ना डरा कीजिए, जमाने के रिवाजों से भी ना डरा कीजिए, प्रीत की माने तो बैलोस जिंदगी जिया कीजिए, प्रीत की माने तो बैलोस जिंदगी जिया कीजिए, उम्र का हर दौर है हंसी मजा लीजिए, उम्र का हर दौर है हंसी मजा लीजिए, जिंदगी गीत है बस गुनगुना लीजिए। धन्यवाद सभी का। वाह वाह क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर गजल। धन्यवाद आप सभी का सभी के साथ सुनने के लिए। मुझे लगता है सभी आतुर हो रहे हैं और सब तुम्हें बधाई देने के लिए और एक दूसरे को बधाई देने के लिए आतुर हो रहे हैं। सारी सुंदर जी, बहुत सुंदर, धन्यवाद सभी का, धन्यवाद, बहुत खूब, बहुत खूब। साथी मैं आप सभी को ये बताना चाहूंगी कि कल हरप्रीत जी का शादी का 20वां सालगिरह है, तो हम सभी उनको बधाई दे देते हैं। बहुत शुभकामना का। हमने इसलिए आज का दिन चुना क्योंकि कल उसके बेटे का जन्मदिन था और कल उसकी शादी का जन्मदिन है, तो हमने कहा यूपीआई की तरफ से ये छोटा सा तोहफा हरप्रीत के लिए हम सबकी तरफ से। आप सभी का धन्यवाद, आप किसी के भी किसी भी एक के साथ के बिना ये संभव नहीं था,
सभी सखियों का इतना सुंदर साथ रहा और इतनी रंगीन शाम रही, बहुत ही आनंद आया। सबकी कविताएं एक से बढ़कर तो हरप्रीत हमारे साथ मना रही है और कल हस्बैंड के साथ घूमने जा रहे हैं, तो बहुत अच्छी सी। मेरी 20 सितंबर को सालगिरह है, कल नहीं है अनिता जी। आपने बोला ना कि सैटरडे को है, इसीलिए मैं घूमने के लिए जा रही हूँ 2-3 दिन के लिए आउट ऑफ स्टेशन। बहुत अच्छी से शुभ यात्रा हो आपकी, मंगलमय हो, बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं। चलिए, सितंबर का महीना और भी सुंदर हो गया, इतने दो दो और सेलिब्रेशन है उसके, हरप्रीत के। और हरप्रीत ने आज की शाम हमारे साथ बताई, कल की शाम की खुमारी शायद ना उतरी हो, लेकिन आज की खुमारी मुझे तो चढ़ गई है हरप्रीत, और ये रहेगी। बहुत सुंदर काव्य पाठ, आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद, तहे दिल से शुक्रिया। मेरा कहते ना, जब टेक्निकल प्रॉब्लम्स आती हैं तो आ ही जाती हैं, मुझे भी फोन आ गया एक बीच में, तो शायद आपको सपना जी आपसे भी मिलकर बहुत अच्छा लगा, आपकी जिंदा दिली मतलब बहुत ही प्रभावित कर गई हम सबको, बहुत धन्यवाद। आप बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर समय देने के लिए। आप फोन सुनी लो पहले। फोन पे फोन बज रहे हैं हरप्रीत, मुझे लग रहा है गलत कनेक्शन लग गया है, सेलिब्रेशन की फोन मुझे आने लग गए हैं अभी से। बहुत सुंदर, बहुत सचमुच भी इतना अच्छा लग रहा है आप सभी के साथ मिलकर, और ये जितने श्रोतागण जुड़े हुए हैं अभी तक हमारे साथ, मुझे लग रहा है हम 1.5 घंटे से जुड़े हुए हैं, 1.5 घंटे से ज्यादा हो गया होगा, मुझे 1.5 घंटे से ज्यादा, 2 घंटे हो गए हमने साथ में, और लोग अभी तक अनवरत सुन रहे हैं, शुरू से जो लोग जुड़े वो अभी तक जुड़े हुए हैं, तो UBI वाले आप सबको बहुत प्यार दे रहे हैं, और आप सब हमारे साथ जुड़े, बहुत धन्यवाद सभी श्रोताओं का, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, और हम आपको और आगे सुनते रहेंगे, मीना जी, निरूपा जी, सभी लोग, पुष्पा जी, अनीता जी, अर्चना जी, रागिनी जी, रुचि जी, प्रिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एक एक का एक एक नायाब हीरे थे आप सब, और आप सबसे मिलके मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा है कि हम पहली बार मिल रहे हैं, और सभी पूरे UBI पटल की ओर से आप सबका स्वागत है। मतलब सपना दीदी मेरे पास हीरो का हार है, देख लो मैंने हीरो का हार पहन लिया साथ में तुम्हारे, ये देखो तुम्हारे हीरो का हार मेरे गले में चल गया हार जी दीदी। तो ये हीरे सादा बने रहेंगे साथ, ये विश्वास के साथ मैं आज की शाम को विराम देती हूँ, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम सखियां बैकस्टेज गप्पे मारेंगी, तब तक के लिए मैं श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जो रोज जुड़ रहे हैं हमारे साथ, रोज शाम को कार्यक्रम है और काफी सारे प्रतियोगिताएं भी हैं और बहुत कुछ अलग अलग लेके आने वाले हैं हम रोज पटल पे, आप लोग भी जुड़िए। कल एक और लेखक वार्ता है डॉक्टर अरविंद अग्रवाल जी के साथ, नुपुर दीक्षित जी ने जो कंडक्ट करेंगी वो उनसे वार्तालाप करेंगी और हमें बहुत सारी चीजें समझाएंगी, भाषा के ऊपर बातें करेंगे हम, भाषा की विशुद्धियों पर भी बातें करेंगे, और वो जो लेखक हैं उन्होंने जो वाणिज्य और बिजनेस की किताबें हैं वो भी हिंदी में लिखी, जो हम हिंदी की बात करते हैं बोलचाल तो हिंदी एक चीज होती है, लेकिन मुझे लगता है हिंदी को हर विधा में उतारने की बहुत जरूरत है, जो कि आज की तारीख में कमी दिखती है कभी कभी, तो उसका कार्यभार उन्होंने अपने ऊपर लिया है और उनसे हम कल जुड़ने वाले, तो आप सबका स्वागत है कल के भी कार्यक्रम में, आप जुड़िए। परसों सुबह शाम 2 टाइम जुड़ने वाले हैं और रोज कुछ ना कुछ है, अब मैं धीरे धीरे पटल पे रोज डालती रहूंगी अलग अलग कार्यक्रम की रूपरेखा और उसके बारे में भी, आज एक ही दिन में सब बता दूंगी तो लोग फिर आराम से आते रहेंगे, तो रोज आइए पटल को देख के, मिलिए लोगों से, आपकी भी कविताएं हमारे साथ भी साझा करिए, पटल पर लिखना चाहें लिखिए, बिल्कुल मैं मानती हूँ आप सभी लोग बहुत बिजी हैं, लेकिन हम पढ़ना चाहेंगे आपको और पढ़ना चाहेंगे, जरूर आइए और जरूर जुड़े रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपका, बहुत धन्यवाद के लिए, आपको जोड़ने के लिए शुक्रिया आपका, लाइव को इस वक्त लाइव।
हूँ।